करना चाहिए, एफर्ट्स लेना चाहिए, अपनी हिम्मत पे कुछ करना चाहिए, लेकिन वो एक लड़की को लूट रहे थे और जो उसको फेंक दिया बाहर, वो मरने को छोड़ दिया दो ट्रैक के बीच में। उस रात में सर 100 के करीब ट्रेन आगे पीछे कर रहे थे, वो मतलब निकल गए थे। उसका पांव भी एक टूटा था और कुछ पांव को चूहे ने काटा था, किसी पांव को चींटी लगी थी और वो ऐसे सिचुएशन में पड़ी हुई थी रेलवे स्टेशन पर। और सुबह तक वो मन में वो सोच रहे थे कि मैं सुबह तक जिंदा रहना चाहिए क्योंकि सुबह कोई तो देखेगा उसे। और सुबह तक जिंदा रह गई, हॉस्पिटल वालों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, रेलवे के डिपार्टमेंट के लोगों ने, और वहां पे उनको, वहां जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिचुएशन रहता है वहां पे कोई भूल देने वाला डॉक्टर भी नहीं था और ना भूल देने वाली कोई दवा थी। तो उन्होंने बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ये पांव कट करना चाहिए, तभी उसका ब्लीडिंग रुकेगा और हम उसको जिंदा रखने का कोशिश कर सकते हैं, पांव तो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो लड़की का जो अंदर हीरोइन, मैं बोलता हूँ रियल हीरोइन इज अरुणिमा सिन्हा, क्योंकि उन्होंने वो जो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना माइंड प्रिपेयर किया था, वो बोली सर मुझे एनेस्थेसिया का कोई जरूरत नहीं है, अभी इससे ज्यादा दर्द होगा ही नहीं, आप मुझे बिना एनेस्थेसिया दिए हुए वो मेरा पांव कट कर सकते हैं अगर मेरी जिंदगी बचने का चांस है तो। और उन्होंने बिना एनेस्थेसिया दिए हुए उनका कंसेंट लेके सर उसका पांव कट के लिए एम्पुटेशन बोलते हैं उसको, और बाद में उसका ट्रीटमेंट हुआ और अच्छे से वो आर्टिफिशियल लेग के साथ में बाकी सब चीजें करने के लिए रेडी हो गई। और उसने ठान लिया मन में कि मुझे माउंटेन को पार करना है, माउंट एवरेस्ट को, उसको तो ये करना है, अचीव करना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है। जब उसने वो बात किसी से बात की तो सब लोग उसको हंस रहे थे, ढंग से पांव नहीं है और सोच रहे कि मुझे माउंट एवरेस्ट पार करना है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो उसको निकाल दिया था वहीं से और फिर उसने फिर भी जिद नहीं छोड़ा और बाद में उसको परमिशन दिया गया। इसका एटीट्यूड देखकर, उसका मेहनत देखकर, और उसने सर अपना माउंट एवरेस्ट भी पार किया और दुनिया के जो 7 एवरेस्ट शिखर में से हाईएस्ट शिखर है वो पूरे उन्होंने पार किए हैं। और उनका जो सपना है एक बहुत बड़ी एकेडमी तैयार करने का, और उसके लिए जिन लोगों ने मना किया था, सर यू विल नॉट बिलीव, अपने गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, उन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के हाथ से उनका एक जो इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़ा किया है, इनॉग्रेशन हुआ वहां पे हुआ है, और वो लोगों को जो बच्चे हैं जिनको कुछ करने का इरादा है उनको हेल्प कर रही है। देखो जिसके पास पांव नहीं है लेकिन एटीट्यूड है, मेहनत करने का बहुत बड़ा स्ट्रांग रीजन है और जिंदगी जीने का भी बहुत सारा स्ट्रांग रीजन है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कुछ करना है और मैं गलत नहीं हूं, गलत बिहेव भी नहीं किया, गलत काम भी नहीं किया, और अच्छे काम करते हुए, अच्छा बिहेविंग करते हुए भी मुझे ब्लेम किया जा सकता है। तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए उन्होंने एक एकेडमी खोला है और बच्चे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। जिस दिन भी उनका नाम मेरे कान पे आता है तो मुझे ऐसा रोंगटे खड़े होते हैं अपने शरीर पर कि देखता हूँ कितनी हिम्मत बाज लेडी है वो। एक्चुअली बोले तो सही मायने में वो हीरोइन है, जिसको हम हीरोइन बोल सकते हैं वही हीरोइन सही है। बाकी जो कोई अपने को हीरोइन या हीरो, नेशनल हीरो या नेशनल हीरोइन जो है वो वही है और अच्छा काम करती है, अपने सही मायने में बहुत अच्छा खुराक लोगों को दिया है। जिसको अच्छा लगता है वो उसका मैसेज ले लेगा, जिसको नहीं लगता वो मजाक उड़ाएगा, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपनी जो भूख होती है, हंगर जो होता है, खाने का हो, पीने का हो, कुछ पहनने का हो या कुछ करने का हो, तो अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है। जो सामने परोसा होता है उसमें से कुछ लेते हैं लोग, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, तो अपने अपनी किस्मत के साथ में है। तो आज आपने बहुत अच्छा वीडियो के साथ में मैसेज दिया है, दोनों भी वीडियो बहुत अच्छे थे, और इसमें से आगे जाने के लिए किसी को कुछ इम्प्रेशन या किसी को कुछ मैसेज 100% मिल सकता है। ये अच्छा मैसेज है और लोगों को हिम्मत देने वाला मैसेज है। तो मुझे सर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ, और मेरा सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लोगों को अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो उनका भी सवाल का जवाब मिल सकता है। और आप कल से जो मीटिंग रहेगा उसमें प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ अगर रखेंगे आधा घंटे के लिए, तो आधा घंटा प्लान प्रेजेंटेशन, बाकी का जो आप आगे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारा, मेरे ख्याल से 1000 का जो अपना मीटिंग का कैपेसिटी है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर आपका सोच है, आपको क्या करना है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। मुझे सर यहाँ पे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ।
मैं डॉक्टर मुंडे पुणे महाराष्ट्र से अभी ग्रीन डायमंड पर हूँ और ये मेडिकल फील्ड में काम करते हुए सर के माध्यम से मुझे ये चांस मिला था 2020 में, तब से मैं यहाँ पे हूँ। और मीटिंग के जरिए, ये मीटिंग अगर नहीं होता 100% उपाध्य सर मैं यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए जूम का बहुत बड़ा अहम रोल है मेरी डेवलपमेंट में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जूम का मीटिंग जब कभी होता है, किधर भी होता है, तो बिल्कुल मिस ना कीजिए, उसमें से सीखने को मिलता है हमें आगे जाने के लिए। ये खाली प्लैटिनम अल्टिमा या PLCX का इसको लिमिटेड मत कीजिए, ये जो ज्ञान मिलता है वो कहीं भी अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं और उसका आगे जाने में हेल्प हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आपने बहुत बड़ा वक्त दिया मुझे, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, बहुत अच्छा गाइड किया आप लोगों को और मैं वही सोचना जो आपकी सोच है उसी सोचे लोगों को बोलूंगा। सच्चाई में ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और इसको समझना है तो मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, ये चीज को समझना है। तो सबसे बड़ी बात आपको इतना वही बोल सकता हूँ कि ये जो मीटिंग है अगर सही में कंटिन्यू रहना चाहिए तो आप मेरा भी टाइमिंग कम हो तो समझो, आपका भी टाइमिंग कम हो तो समझो, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका भी जो अगर बात करेंगे तो, क्योंकि हम इतना ही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा हो, क्योंकि हमने जो वीडियो दिखाई वो सही में आज तक के सबसे ज्यादा अच्छी वीडियो अगर होंगे तो आज के दोनों है। ये चीज को समझना है आपको, अगर अपने ठंडे दिमाग से अगर उसको बार बार सुना तो आपको मेरे को लगता नहीं और कोई मोटिवेशन की जरूरत है। जहां तक अगर कोई बोलता है मैं गरीब हूं तो आपको भगवान ने कितना करोड़ों का संपत्ति आपको दिया है वो पता ही नहीं है किसी को, आज तक की बात है। जब समझ में आता है तब पता चलता है, जब डॉक्टर बोलते हैं ना आपका जो हाथ निकलना पड़ेगा, जब आपको पैर निकलना पड़ेगा तब पता चलता है आपको, तब तक नहीं पता चलता है। या हमारा अगर देखना बंद हो जाएगा तब पता चलता है कि इसकी कीमत क्या होगी, या चेंज करना पड़ेगा तब पता चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे सब हम सब करोड़पति अरबपति खरबपति जिसका हम वैल्यू नहीं कर सकते, और उसके बाद आती है बाकी कमाई या बड़ा बनना या अच्छा करना जो भी चीजें, वो आगे की बात है, ये चीज को समझना है। तो कभी भी अपने खुद को कम मत समझना, ये कहना है सब लोगों को, एक मैसेज रहेगा मेरी तरफ से, भगवान भी वही चाहता है कि हम खुद को कभी कम मत समझना। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है या कोई भी साथ में कुछ लेके नहीं आया है जो बड़ा बन चुका है, यहाँ से आया, यहाँ से बनाया और यहाँ से आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, अगर टोटल हिस्ट्री अगर पूरी वर्ल्ड की देखेंगे ना, जो भी लोग अगर बड़े बने हैं ना उन्हें जरूर से स्टार्ट किया है, गिने चुने लोग है जो पहले से, जैसे अंबानी ग्रुप की अगर बात करके तो बच्चे लोग माँ के पिताजी के हिसाब से आगे बढ़े, ऐसे गिने चुने लोग है। लेकिन अगर टोटल हिस्ट्री आप निकालेंगे ना तो सब लोग जीरो से आगे गए, इस चीज को समझना है। अगर आपको आपके पास सही में कुछ नहीं है तो अभी जो आज के वीडियो में वही बताया, जो गरीब है वही बड़ा बन सकता है, वही यानी अगर बात करेंगे जैसा अमीर बन सकता है, अमीर बनने का कोई मौका ही नहीं देगा, क्योंकि जितना भी अमीर बनेगा उसको खाली अमीर ही बोलेंगे, इस चीज को समझना है। लेकिन गरीब अगर बड़ा बनेगा तो उसको अमीर बोलते हैं, तो ये चीज को समझना का हम जो अगर कोई बोलता है मेरे पास नहीं है तो आपको भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है जो आपको अमीर बनने का, तो ये चीज को समझते हुए अगर इस सिस्टम को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो अगर अलेक सर ने जो अपने प्लेटफॉर्म अपने हाथ में दिया हुआ है ना वो आसान प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई भी अच्छी चीज एक दिन में नहीं बनती, अच्छी चीज को बनने के लिए समय लगता है, और वही समय आपको आपकी कंपनी को दिया हुआ है। जैसा 7 साल अभी कंपनी का रनिंग चल रहा है, मैं खुद आपके सामने 5 साल अभी क्लोज हो चुका है, 6वां साल अभी मेरा आने वाले 1 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, अभी आने वाले 1 तारीख 1 फरवरी, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग 1 फरवरी 2018 का है, 2018 का है। आज अगर बात करेंगे अभी 1 फरवरी अभी आपके सामने ही है जो अभी आने वाले 10-12 दिन में आ रही है, और उसके बाद मेरा 6वां साल इस सिस्टम के साथ जुड़ रहा है। और अभी आज तक ने आपने देखा होगा पूरे काफी भी अगर आप सुनेंगे ना, कोई भी सिस्टम के साथ, कोई भी कंपनी के साथ, कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ, अगर आप कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल या उससे ज्यादा अगर आप समय देते, आप 100% खुद सक्सेस होते। कंपनी रहेगी नहीं रहेगी वो बात की बात है, सिस्टम कितना काम करेगी वो बात की बात है, लेकिन आप सक्सेस होंगे, इस चीज को समझना है। क्योंकि आज तक जो भी लोग सक्सेस हुए हैं ना, ऐसे नहीं एक सिंगल चीज लेके आगे बढ़े और सक्सेस हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंजेस किए, फिर एक दिन आया उनको कुछ अच्छी चीज मिली और उसके बाद सक्सेस हुए, इसी को समझना है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज आपके फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में आएगी और तुरंत आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा समय जा सकता है, कुछ चीजें चेंजेस हो सकती है तब आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ऐसा अभी आज आप समझ सकते हैं, आपने किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल मार्केट में समय दिया होगा, अलग अलग सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, अलग अलग कंपनी के साथ जुड़े होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होंगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला होगा। लेकिन ये लास्ट सक्सेस है आपका, लास्ट समय आपका, ये प्लेटफॉर्म को अगर आपने ठुकरा दिया
तो मेरे हिसाब से ऐसा गलत मत समझना, लेकिन इसके अलावा आपको पूरे दुनिया में जो ये प्लेटफॉर्म जो आपको सक्सेस कर सकता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपके ऊपर है, लेकिन हमको जो समझ में आया उसके हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया का नक्शा जो पर चेंज किया हुआ है ना, वो क्रिप्टो मार्केट है। आज तक का रिकॉर्ड है, हजारों साल पीछे आप हमके देखेंगे ना तो भी आज आप देखेंगे वहां पे क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जितना मल्टीपेशन, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा करोड़पति, जितने बड़े अरबपति, जितने बड़े खरबपति अगर मार्केट में बने हुए ना, तो ये प्लेटफॉर्म बनाए, ये आज तक का रिकॉर्ड है। अरे ये रिकॉर्ड अगर आपको पता है या आपको अगर जानना है तो आपको ये सिस्टम को टच करना है, नहीं तो इसके साथ आपको आगे बढ़ना है, तो ही आप इसको समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब तक बोलते हैं ना, जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक उसकी गहराई कितनी वो पता नहीं चलती। उसी तरह जब तक ये सिस्टम के साथ आप नहीं जुड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको ये प्लेटफॉर्म का पता नहीं चलेगा। आप खाली दूरी दूरी से अगर बताएंगे ना कि इसने कितना पैसा भरा, ये डूब गया, उसका रेट कम हो गया, इसने ट्रेडिंग नहीं हुआ, इसका सेलिंग नहीं हो रहा है, या उसका अरे क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप जाने तो पता चलेगा। तब तक नहीं पता चलेगा, सेलिंग नहीं हो रहा है आपको पता है, लेकिन उसका कारण भी समझ लो ना, क्यों नहीं हो रहा है, उसका ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, एक सोच स्टेबल है तो ट्रेडिंग बनेगा ही नहीं, उसको स्टेबल है उसकी स्ट्रेटजी आप समझ लो, तब आपको पता चलेगा वो सेल क्यों नहीं हो रहा है। अब अगर उसको बात करेंगे उसका सेल क्यों नहीं रहा है, तो उसका कुछ कारण होगा तो ही सेल नहीं हो रहा है। आप अगर दूर दूर से बातें करेंगे और मजाक के हिसाब से बात करेंगे तो आपको ये मजाक ही लगेगा, और आप उससे दूर जाएंगे और इसका आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपका सेलिंग नहीं हो रहा है तो हमारा भी सेलिंग नहीं हो रहा है, जो टॉप लीडर उनका भी सेलिंग नहीं हो रहा, कंपनी का पूरे कम्युनिटी का नहीं सेलिंग हो रहा है, आपका अकेले का नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, सबका नहीं हो रहा है। अगर वो ट्रेड नहीं कर रहा तो आपका अकेले का नहीं कर रहा, सबका नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे कुछ सही कारण आपको ढूंढना पड़ेगा क्या है, तब आपको पता चलेगा ये प्लेटफॉर्म क्या काम कर रहा है। खाली आप अगर लीडर के लिए या कंपनी के लिए या कंपनी के ओनर के लिए या सिस्टम के लिए अगर बुरी भरी बातें करते रहेंगे ना, वो उनके लिए कर रहे, आप खुद के लिए कर रहे, क्योंकि भला बुरा आपका होने वाला है, सिस्टम का नहीं होने वाला। सिस्टम आज नहीं तो कल चेंज होने वाले, आगे बढ़ने वाले, आगे जाने वाले, जो अभी 7 साल उन्होंने दिया, 7 साल से चल रहे, वो अभी 70 साल भी चलेगी, लेकिन आपको कब तक करना है और इस सिस्टम के साथ आपको क्या लेना है वो आपको तय करना है। तो इसी के साथ मैं इतना बोलूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आने वाला समय आपको बताएगा, ज्यादा लंबा समय नहीं, अभी कंपनी का सही टाइम आ चुका है, अभी आने वाले कुछ दिन के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर, यानी अभी हम ये बोल सकते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा ये प्लेटफॉर्म ऐसा मोड लेगा ना आप सोचेंगे भी नहीं। अरे ये मेरा बात ऐसा भी अभी मैं बोला था, मैं जो बोलता तो है ना सच्चाई है, अभी जो बोलना होने वाला है इस चीज का सबको सामने, क्योंकि मेरे हमेशा दिन ऐसा नहीं कि एक बार आपके सामने आने वाले, आपको बोला मालूम है मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में हूँ, और हर दिन अभी आपके बीच में अगर आ रहा हूँ तो मैं आज जो बोल रहा हूँ तो 2 महीने भी वापस आने वाले, 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी वापस आने वाले, तो उसका जवाब मेरे को फिर वापस आपको मेरा ही देना है। तो मैं ऐसे गलत बात करके आपको आगे लेके नहीं जाऊंगा, या गलत बातें सुना के मैं आपको आगे लेके नहीं जाना चाहता हूँ, इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आने वाले समय में ज्यादा लंबा समय सही में नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन तक आप यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको अपडेट करने को मिलेगी, इतनी सारी चीजें सिस्टम के साथ करने को मिलेगी। आज अलग सर आपको डेली मैसेज छोड़ते डेली, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुनते ही नहीं, और कुछ लोग सुनते हैं तो खाली ऑडियो लगा देते हैं, अपने काम में बातें करते रहते हैं, चलता है अलग सर बातें कर रहे, क्या बातें कर रहे वो पता ही नहीं, इतने चल रहे भाई ऑडियो सुन रहे और अपनी बातें सामने कर रहे, ऑडियो उधर चल रहे ऐसे सुनते, लेकिन सच्चाई से अगर उसको अपने ढंग से सुना, मेरा डेली मेरे अपने सब ग्रुप में मेरा डेली एक मैसेज आता है छोटा सा गुड मॉर्निंग का, आपके लिए क्या लगता है सर, कुछ भी मोटिवेशन करे कुछ भी भेज रहे, लेकिन अगर वो एक छोटी सी लाइन आपका उस दिन का कुछ दिमाग चेंज करके, ये ध्यान रखना, वो एक सुबह का मेरा एक लाइन होता है ना, सिर्फ एक लाइन को आप अच्छी तरह से मन से अगर पढ़ेंगे ना, हर एक लाइन की बात करो, हर दिन की बात करो, ये चीज को समझना है। मैं ये अलग सर को भी भेजता हूँ, लेकिन वो वहां पे होने के बाद एक अच्छे लेवल पे होने के बाद भी उसको मेरे को रिप्लाई देते, उनको समझ सके क्या चीज है, क्योंकि मैं इसीलिए दो चीज दो लाइन में दे रहा हूँ, यानी दो लैंग्वेज में दे रहा हूँ, हिंदी भी दे रहा हूँ और इंग्लिश भी दे रहा हूँ, तो ये चीज को समझना है। मेरा फोटो प्रमोट करना ये मेरा पर्पज नहीं है कि मैं डेली मेरे आपके सामने मेरा फोटो प्रमोट करूं, लेकिन ये फोटो आपको मार्केट में काम आएगा, और सेकंड पार्ट आएगा वो लाइन आपकी जिंदगी में आपको काम आएगी, आपके मोटिवेशन के लिए आपको काम आएगी, अपने पूरे दिनचर्या के लिए आपको काम आएगी, ये लाइन को आप समझ, आज डेली एक एक लाइन आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोगों का मेरा को मैसेज रिप्लाई भी आता है, आपको ये कहाँ से मिलता है, आपको ये कैसे हर दिन अलग अलग भेजते है। मैं इतना ही बोलूंगा, जो चीज आपको नहीं आती आप करके ले सकते हैं, ये चीज को समझ। अभी मेरे को अभी दो तीन पहले की बात है, अपनी कंपनी का मीटिंग था,
जो लगभग पहले दिन स्टार्ट हुआ अपना 90 डेज वाला, पहले दिन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद हमारा मीटिंग हुआ। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर की बात कर रहा हूँ, कॉमन लोगों की तो बात ही नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लीडर की बात कर रहा हूँ। सर मैं मीटिंग में इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा नेट खत्म हुआ था, मेरा जो पैकेज तो खत्म हुआ था डेली वाला। अरे हम क्या कर रहे हैं और क्या सुन रहे हैं वो आपको ही पता नहीं। आपका नेट के लिए कितना पैसा लगता है, अगर आपने रिचार्ज भी किया एक दिन के लिए 10 रुपए भी करेंगे तो भी आपका दिन निकल जाता है, या 2-3 घंटे का समय निकल जाता है, उसके लिए आपको ज्यादा समय ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। जहां पे आप लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं, लाखों करोड़ों पे कमा रहे, और वो लोग अगर बोलेंगे कि मेरा नेट खत्म हुआ है इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो ये गलत बात है। आपको ये मीटिंग, ये सिस्टम अगर आप आज देखो, यहाँ पे जो भी नॉलेज आपको मिलता है कि आप कितना भी पैसा देंगे ना तो भी जल्दी मार्केट में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको समय समय भी देना पड़ेगा, 2-3 साल देना पड़ेगा, 2-3 महीना देना पड़ेगा, आपका समय देना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। ये आपको अगर मिल रहा है तो एक छोटे से नेट की वजह से या कुछ कारण की वजह से अगर आप कलर या अगर चूक रहे तो आपके लाइफ का बहुत बड़ा समय, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े नॉलेज से आप चूक रहे, इसी को समझना है। यहाँ पे मैं इतना ही बोलूंगा, जो भी लोग अगर मीटिंग सुनना चाहते हैं, जो भी लोग अगर एक प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आप मीटिंग के लिए मत करो। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको सिर्फ मीटिंग सुनना है, मैं ये बोलूंगा आपके पास नेट इतना होना चाहिए कि आप सिर्फ घर पे बैठे बैठे जो चाहे वो चीजें हर दिन जब भी आपको टाइम मिलेगा ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाके आपको यूट्यूब पे बाकी वीडियोज नहीं सुननी, जो पिक्चर देखना है या कुछ गाने देखना है ये नहीं सुनना है, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो सुनो, उसके लिए नेट आपको खर्चा होने दो। बाद में आप कंपनी के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो अलग अलग वीडियो सुनो, निगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, आप निगेटिव हुए ना वो भी सुनो, पॉजिटिव वो भी सुनो, लेकिन आपने से उसमें से क्या लेना है ये आपने को तय करना है। निगेटिव बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है वो भी सुनना है, और अगर निगेटिव भी बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो भी सुनने वो आगे के भी उसकी सोच क्या रहेगी, थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे का सोचेंगे ना या सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि निगेटिव उसी लोगों के बारे में बोला जाता है। आज तक का मार्केट का रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ, जो लोग आगे बढ़ रहे ना उनके लिए ये चीज को समझना है, जो लोग आगे बढ़ रहे ना उनके बारे में निगेटिव बातें होती है, ना कि जो जगह पे है ना कि वो घर पे बैठे। अगर अपनी कंपनी के बारे में निगेटिव बातें भी हो रहे ना तो ये अपनी कंपनी की तरक्की है, ये आपको समझना है, क्योंकि वो निगेटिव बातें क्यों कर रहे, क्योंकि उनको सिस्टम को आगे दिखाना है उनको, या उनको 2 रुपए कमाना है उसके वजह से बता रहे, ना कि सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम अगर रोज यहाँ पे मीटिंग ले रहे, हम अगर इस सिस्टम के साथ रोज अगर अपडेट हो रहे तो हमको पता नहीं चल रहा है ये सिस्टम कितना वर्किंग करेगा और आगे क्या लेके जाने वाला है और कितना काम कर रहा है, और ये खाली 2 मिनट का वीडियो बना रहे, 15 मिनट का वीडियो बना रहे, उनको सब पिक्चर चलता रेडी उनके पास, तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज को भी आपको समझना है, सिर्फ अगर एक छोटी सी निगेटिविटी, एक सिगरेटिव जैसे बोलते हैं ना, आप प्याज की बात करेंगे, पूरी गोनी भरी अपने पास प्याज है और एक खराब प्याज अगर रहेगा तो पूरा इसको गोनी को खराब कर देता है। ऐसे अपने हजारों वीडियो पॉजिटिव थिंकिंग के है वो लोगों को नहीं दिखते, लेकिन एक वीडियो अगर निगेटिव आती है तो वो लोगों को दिखती है और उसके बारे में बातें करते हैं लोग, अपने इस प्लेटफॉर्म के दूर जा रहे या प्लेटफॉर्म के बारे में बुराई कर रहे। तो इस चीज को मैं इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे जो भी चीज अगर आपको सही लग रही है, जो भी चीज अगर आपको अच्छी बड़ी करनी है, तो उसके लिए आपको तन मन धन देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा उसको सब चीजें सीखने के लिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं, तभी उसको आप आगे जा सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि राज सर आपने हैंडल्स किया, कुछ कायम था आपका? सर मैं आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कुछ अपनी कुछ बात करना चाहूंगा, आप बात कर लीजिए प्लीज, मैं सुन रहा हूँ, पेशेंस है, बहुत पेशेंस है अपने। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूंगा कि यहाँ पे जो हम जो भी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें समझा रहे हैं, तो मैं अपने यहाँ से मेरी कम्युनिटी को मेरे को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि मैं इतना ही सोचता हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ अगर मैं कुछ करना अच्छा करना चाहता हूँ तो मैं ये सब मेरे कम्युनिटी को लेकर करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे इतना बड़ा पैसा है जो आपको उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं सिस्टम से नजदीक हूँ इसलिए मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं अपने लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्लेटफॉर्म को सिर्फ समझ के लो और सिर्फ इसमें कंटिन्यू रहो, आपको जो भी ताकत है उसके साथ जुड़े रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो। जो भी लोग निगेटिव अगर बात करेंगे तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव आपके लिए बना हुआ है, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं, क्योंकि निगेटिव लोगों को अगर देखेंगे ना तो हम भी निगेटिव बन जाते हैं। ये चीज को समझना है, जो मोटिवेशन वीडियो अगर हम कहाँ पे भी देखते हैं, आपको यहाँ पे नहीं अलग जगह भी दिखने को मिलेगा, लेकिन वो क्यों देखना है, क्योंकि वो अपने को गाइडलाइन करता है अपनी जिंदगी में, अपने को क्या करना है, कि आपको एक समय बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन अलग सर नहीं करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना ही करूंगा,
या फिर कहूंगा मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ, सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और जो सिस्टम मेरे को बता रही है, जो मैं उसको देख रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म में या फिर आपको लोगों का मोटिवेशन इतना ही देना चाहता हूँ सिस्टम के बारे में, ये प्लेटफॉर्म दुनिया का नंबर वन का प्लेटफॉर्म है और इसके लिए मार्केट में इसके बारे में बहुत सारी बुराई होने वाली है, और तो कुछ अभी तो कुछ नहीं सुने आपने, अभी और कुछ होने वाली आने वाले समय में, लेकिन बुराई जिसकी होती है जो आगे बढ़ता है, जो घर में बैठा है या जो अगर कुछ नहीं कर रहा है उसकी बुराई कभी नहीं होती, जिसको समझना है। और दूसरी बात क्या है, जब काम करने के बाद जो काम करता है ना उसको तकलीफ होती है, उसको अड़चन आती है, जो आपने कभी अड़चन आ रही है ना, कैसे विड्रॉल की अड़चन आ रही है, आपको नाम चेंज करने की अड़चन आ रही है या जो भी चीजें कर रही है ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है और उसके वजह से वो चेंजेस करना पड़ रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए ना के रुकने के लिए, ये चीज को पहले समझना है। कंपनी अगर रुकना होता और लोगों को अगर नुकसान करना होता तो वो कंपनी ये सारे चेंजेस नहीं करती और वो उसका आगे लेके जाने का कोशिश नहीं करती। एक समय होता है कुछ तकलीफ होती है तो उसके लिए जब तक हम एक अच्छे लेवल पे नहीं जाते या हम कोई शिखर पे नहीं पहुंच जाते ना, तब तक थोड़ा सा तकलीफ होता ही है मार्केट में हर जगह पे। उसी तरह अपनी कंपनी शिखर पे पहुंचने के लिए जा रही है और वो लास्ट स्टेज पे आ चुकी है अभी कंपनी, जो बीच में जो अभी तकलीफ हो रही है ना, जो कंपनी चेंजेस करते आगे जा रही है ना, अभी एक बार अगर जैसा बोलते हैं ना, हम शिखर पे जब चढ़ते हैं ना तो हम झुक के चढ़ना पड़ता है, हम अभी ऐसा ऊपर यानी देख के ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, उसको आपको झुक के चढ़ना पड़ेगा तब हम शिखर पे चढ़ सकते हैं। तो उसी तरह आपकी कंपनी अगर कुछ नीचे कम ज्यादा करके अगर ऊपर चढ़ रही है, आगे जा रही है, लेकिन अभी ये जो समय आने वाला है जो मार्च महीने तक की, ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी अपनी शिखर के ऊपर चढ़ जाएगी, जब शिखर के ऊपर आप जाते हैं ना तब आपको नीचे देखने के लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हम सबसे ऊपर रहते हैं। उसी तरह आज जो मार्केट में चल रहा है, सब चीजें जो ऊपर नीचे हो रही है, सब चीजें जो बातें हो रही है लोगों की, ये जब एक शिखर पे पहुंचने वाली अभी कंपनी अपनी लास्ट स्टेज पे चल रही है, जो कंपनी का सब स्ट्रगल अभी कंप्लीट होने का लास्ट टाइम हो जा रहा है, तो वो टाइम पे हमारी कंपनी ऊपर से नीचे जब देखना स्टार्ट करेगी ना तो सब प्रॉब्लम आपको जरूर लगने लगेगी, इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि जो भी शिकायतें मार्केट से आ रही थी, जो प्रॉब्लम मार्केट से हो रहे थे, वो सब चीज को अलेक्स करने अभी शॉर्ट आउट करते हुए जो एक ऐसी कम्युनिटी रेडी करना चाह रहे हैं, जो आज थोड़ा सा लोग आगे पीछे होते होंगे, कंफ्यूजन होते होंगे, लेकिन सर ने यही बोला कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को साथ में लेके चलना चाहता हूँ जो मेरे साथ टिके। अभी अगर बात करेंगे पैनिक पेस में क्या हुआ है, बहुत सारी कम्युनिटी अपने से दूर चली जाएगी जो कंपनी को चाहिए ही नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। ऐसे लोग नहीं चाहिए कंपनी को जो पैनिक होते, इसलिए उसको कंपनी छोड़ के जा रही, और उससे जो नए नए लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, उसके साथ साथ कंपनी काम करना चाह रही है और वो कंपनी ऐसी लोगों के साथ में ले रही है जो कंपनी को आने वाले समय तकलीफ नहीं होगी ना लोगों को तकलीफ होने वाली, और कंपनी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, कंपनी सब स्टेबल के हिसाब से काम बना रही है, सब स्टेबल के हिसाब से, जो मार्केट के ऊपर तय नहीं करेगा, अपनी कंपनी के ऊपर तय करेगा। अभी तो क्या है, लोगों के हाथ में सब सिस्टम दिया, लोग करेंगे तो कंपनी को अपडेट होगा, लेकिन अभी कंपनी जो सिस्टम अपने हाथ में ले रही है ना, वो कंपनी करी तो लोगों को मिलेगी या लोग कंपनी के हिसाब से लोग कंपनी के साथ जुड़ेंगे। अभी $1,00,000 आपने कॉइन का रेट है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, वो स्टेबल है, तो अभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं, जिसको आना है वो ऑटोमेटिक आएगा, उसको नेगेटिव भी बोलना नहीं, पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है, तो ऑटोमेटिक लोग आना स्टार्ट होने वाले। जो नेगेटिविटी थी मार्केट में, जो ऐसा क्लासिक के माध्यम से गई थी, उसको अभी कंपनी स्टेबल कर दिया, तो स्टेबल के सबसे अभी लोगों को अभी कुछ थोड़ा सा समय है, जो अपना एक हफ्ता दो हफ्ता एक महीना लगभग थोड़ा सा रिकवर होने के लिए, एक बार लोगों को स्ट्रेटजी समझ में आएगी ना, तब आपको पता चलेगा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पॉजिटिव के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेगा। तो आपको मैं जो बोलता हूँ, मार्च महीने से आपको इतनी तकलीफ होगी, आपका सवाल तो कुछ रहेगा ही नहीं, लेकिन तकलीफ क्या होगी, जो सिस्टम काम करने वाली है ना उसमें सिस्टम में आप टिक नहीं पाएंगे, अगर आप आज लगकर सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे तो, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी रन होने जा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो कंपनी का पहले से टारगेट था। अगर मेरे 3-4-5 महीने पहले जो भी आपने वीडियो अगर सुने होंगे तो मैंने वही टाइम पे बोला है, 2023 और 2024 ये कंपनी का एकदम अलग सिस्टम के साथ कंपनी आगे लेके जाने जा रही है, क्योंकि मैंने ये भी बोला है कि 2024 लास्ट या 2025 शुरू में मिस्टर अलेक्स सर पूरे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में नंबर वन पे रहने वाले, और उनका ये कहना है कि जब मैं वहां पे रहूंगा तब मेरे साथ हमारे कम्युनिटी के मिलियन लोग बिलियन ट्रिलियन में रहेंगे, और वो भी डॉलर यूरो में, ना के रूपीज में, ये चीज को समझना है। यानी उनके पास मिलियन में मिलियन लोग रहेंगे, जो मिलियन अपने लोग अपने कम्युनिटी से रहेंगे, जो तुम्हारे हमारे बीच में से रहेंगे, वो लोग जो मिलियन में रहेंगे, एक दो नहीं रहेंगे, हजारों में नहीं रहेंगे, मिलियन में रहेंगे, और वो लोग ऐसे रहेंगे जो ट्रिलियन बिलियन में पैसा बना रहे, और वो भी डॉलर ही रहेंगे। तो
तो ये समय बहुत शॉर्ट हो चुका है जो इसके लिए कंपनी 7 साल से मार्केट में वर्किंग कर रही है, जिस सपने को लेके सर आपकी मार्केट में वर्किंग करे और उसको लेते हुए सर काम करे। आज भी अगर बात करेंगे सर को जरूरत नहीं है, कंपनी को जरूरत नहीं है, अगर आज भी बोलेंगे सब पूरा क्लोज करना है और किसी को कुछ नहीं करना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज अपनी कंपनी के ऊपर सिंगल 1 रुपए का भी लायबिलिटी नहीं। ये चीज को आपको समझना है, हम कितना भी ब्लेम करेंगे लेकिन अगर लीगली जाएंगे तो सिंगल 1 रुपए का कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है जो आपको कंपनी कुछ किसी को बोलने का मौका देगी। ये चीज को आपको समझना है। फिर भी मिस्टर अलेक्स सर अपनी कंपनी पीएलसी ग्रुप अपने सबके सामने खड़ा है, जो अपने लोगों को जो वादा किया है, अपने लोगों को जो सपना दिखाया है, वो हर सपना 100% कंपनी के ओनर मिस्टर अलेक्स सर बोल रहे हैं, मैं ये आने वाले 2023 में सबका पूरा करके दिखाऊंगा। ये बोलने वाला मार्केट में आज कोई है? कोई भी नहीं है। बोल सकता है लोग गिने चुने लोगों के लिए, लेकिन ये बोल रहे सबके लिए। ये चीज को आपको समझना है, सबके लिए। आज अगर $20,000 की बात करेंगे सबके लिए दिया है, ऐसा नहीं है लो टॉप लीडर है उनके लिए $20,000, जो मीडियम क्लास लीडर है उनके $15,000, उसके नीचे वाले उनको $10,000, ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं, सबके लिए। एक कॉइन अगर $1,00,000 सबके लिए, ना कि एक के लिए, ना कि कर लिमिटेड लोगों के लिए, सबके लिए। अगर अभी $20,000 दिया सबके लिए, जो कंपनी का हिस्सा है नहीं, जो कंपनी का हिस्सा है नहीं तो भी कंपनी उसको दे रही, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर बात करेंगे जिस प्लेटफॉर्म के हम बेस इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे पैनिक हो रहे थे उनके लिए, सब कुछ पैनिक हो रहे थे उनके लिए बोलूंगा मैं का यहाँ पे इतना अच्छा मौका। सर ने उसी दिन हमारी जो मीटिंग हुई उसी दिन में बोला ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई लोगों को ऐसा लगेगा अभी जो सिचुएशन चल रही है अपनी कंपनी की मार्केट में, जो क्लासिक के बारे में बात करते हैं हम 2 मिनट के लिए आज के लिए स्पेशली, और उसके लिए मैं थोड़ा सा बातें भी करने वाला हूँ, सिर्फ सवाल जवाब नहीं उसके लिए होगा, लेकिन समझना चाहिए लोगों को, इसलिए मैं नई कम्युनिटी रहेगा उसके लिए समझना भी चाहिए। तो यहाँ पे या एक समझना है कि आज के मार्केट में आपने कितना पैसा लगाया, आपका कितना पैसा बना, वो बात अलग है, क्योंकि उसके लिए कंपनी ऑलरेडी मौका दिया कंपनी तो उसको लेवल क्लियर करने के लिए, जो आपको अपने लीडर के साथ बैठना है और समझ के लेना है, क्योंकि अपना एक कॉइन का 5 कॉइन 6 कॉइन 7 कॉइन कंपनी बना के भी दिया है, और उसका एक कॉइन का मल्टीप्लाई के हिसाब से अगर बात करेंगे तो $20,000 के हिसाब से आपका कोई भी रेट से अगर आपने परचेस किया है तो उससे ज्यादा पैसा बनने का मौका 100% कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। इसलिए ऊपर बात करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का पार्ट है जो कंपनी आपको स्टेबल या लाइव करके दिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उसके ये बात करेंगे तो उसको 5 साल में जो रिवर्ड किया हुआ है, इन्हें 5 साल के लिए अपने फैमिली को सेफ्टी किया है, ये चीज को समझना है। 5 साल के लिए हम आज भी अगर सोते रहेंगे ना तो भी 5 साल तक जो भी जिसके पास 1 कॉइन रहेगा, किसके पास 2 कॉइन रहेगा, किसके पास 10 कॉइन रहेगा, किसके पास 100 कॉइन रहेगा, 5 साल के लिए अपनी फैमिली सेफ हो चुकी है, ये चीज को आपको समझना है। और उसको भी और 5 साल में और आपको सेव करना है तो और 5 साल भी कंपनी ऑलरेडी रोड में बना चुकी है, उससे आप और 5 साल उसको सेव हो सकते हैं। तो इतना बड़ा पार्ट दुनिया में किसी के पास नहीं, आपका बैंक भी नहीं है तो जो आपको 5 साल रेगुलर या 10 साल रेगुलर सेव कर सकते हैं, कोई भी बैंक नहीं है। आज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा आपको पता है, कल का क्या रहेगा आपको भी पता नहीं है, आने वाले समय ऐसा ही हो सकता है कि आपको पैसा रखने का पैसा देना पड़ेगा, ये चीज को आपको समझना है। तो ये सिचुएशन मार्केट में चल रही है जो आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में आज के डेट में हम पैसा रखने के बाद आपको पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पैसा रखा इस लेवल से, तो बैंक पैसा नहीं दे रही है, जिसने पैसा बैंक में रखा वो लोगों को और पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका पैसा वो बैंक संभाल रही है उसके लिए। तो ऐसी सिचुएशन आने वाले समय चेंजेस होने वाली है, क्योंकि मार्केट इस हिसाब से काम कर रहा है। आज का गुड न्यूज आपने देखा होगा, क्रिप्टो मार्केट बूम हो चुका है, ये न्यूज है आज का, जो लोग पैनिक में थे ना उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं। आज का गुड न्यूज क्या है, आज क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा बूम हो चुका है, चेंजेस हो चुका है, इसको समझना है। यानी कोई भी चीज हमेशा के लिए डाउन नहीं होती और कोई भी चीज हमेशा के लिए ऊपर नहीं होती, इस चीज को समझना है। अपडेशन इट लाइफ का या जिंदगी का उसको ध्यान रखना, तो हर चीज को जैसा सर बोलते हैं अगर डाउन भी आया है ना तो अप भी जाने वाला है, और अप भी आया है तो डाउन भी आने वाला है, लेकिन ये सब मालूम होने के बाद जैसा दिन भी होता है रात भी होता है, रात भी होता है तो दिन भी होता है, लेकिन ये सब लोगों को समझता है लेकिन लोग ना समझ बनते, और यही कारण ये पैनिकनेस हमेशा मार्केट में रहने वाला है, और यही कारण सर ने इसका मध्य निकाला और स्टेबल के हिसाब से लोगों को लेके जा रहे ताकि सबको पैसा मिलेगा और 100% मिलेगा। और इसीलिए अपना जो सेकंड पार्ट जो अपना क्लासिक का है वो भी कंपनी क्या किया, स्टेबल के हिसाब से लेके जा रहे जो $20,000। अभी आज यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ जो लोगों का अगर पुराना प्लॉट है उनके लिए सिस्टम तो बना दिया है जो अभी 5 साल के हिसाब से मिलने वाला है, और उसका किसी का भी माइनस प्लस नहीं हुआ है, 100% उसको जितना कैलकुलेशन के साथ सिस्टम में आया वही कैलकुलेशन से उसको यहाँ पे पैसा जनरेट होने वाला है जो 5 साल में होने वाला है या 10 साल में होने वाला है, लेकिन उसको सिर्फ क्या करना है थोड़ा थोड़ा करके लेना, इतना ही पार्ट है जो मार्केट में जीरो हो चुका है
कि हमारे लिए जीरो हो सकता है, उसको कंपनी जनरेट करके दिया आपको 100% प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही टेक्नोलॉजी का है। लेकिन अगर आज के डेट में मैंने बहुत सारे लोगों से जो बातें कर रहा हूँ, जो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करता हूँ, आज एक सिंगल मैं बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये टॉपिक लिया आज का, क्योंकि अगर आज के डेट में $300 लगभग अपना कॉइन का रेट छोड़ रहे हैं एक क्लासिक के बारे में, यानी लगभग अगर बात करेंगे उस आदमी ने अगर आज के डेट में 25,000, 27,000 या 30,000 रुपए अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो एक क्लासिक कॉइन उसको मिलेगा। तो ये क्लासिक कॉइन अगर वो वहां पे अगर स्वैप कर रहा है उसको महीने का लगभग 3,000 रुपए आने वाला है, लगभग 3,000, यानी अगर 27,000 लगा रहे तो लगभग 2,700-2,800 रुपए आ रहा है। 10% मार्केट रेशो को समझना है, 10% जो बैंक नहीं दे रही है ना, कोई दुनिया में कोई भी नहीं दे रहा है, 10% पर मंथ ना कि पर ईयर जो आपको प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, और वो भी 12 महीने के लिए, और वो भी लगातार 12 महीने रेट प्लस करेगा, एडिशनल मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, लेकिन 10% रेशो क्या बोलते हैं उसको। और वो अगर बात करिए सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, उसका 2.5 गुना, यानी 25% पर मंथ सेकंड ईयर में मिलेगा, 12 महीने के लिए मिलेगा। वही थर्ड ईयर में अगर बात करिए फिर डबल हो जाएगा, 50% जितना आपने आज पैसा लगाया उसका 50% पर मंथ 12 महीने मिलेगा। और वही अगर बात करेंगे फोर्थ ईयर में 100%, आज जो आप 27,000 लगा रहे, आज जो आप 30,000 लगा रहे, वो 100% पर मंथ मिलेगा, 12 महीने तक मिलेगा। और उसके बाद 5-6 साल पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेशन आप ही कर सकते हैं, उससे 3 गुना, यानी 300% प्लस, यानी आज तीन गुना प्लस, एग्जांपल की बात करेंगे कितना, 3 गुना, यानी अगर आपने 30,000 लगाया तो उसका 90,000 कम से कम पर मंथ 12 महीने के लिए मिलने वाला। सेम ऐसा ही रहेगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो आप कैलकुलेशन कर सकते। तो ये चीज को समझना है, अगर मेरे फैमिली को अगर सेफ्टी करना चाहता हूं, और सिर्फ लाइफ में अभी आज के डेट में अगर कहीं से भी करके महीने अगर 30,000 रुपए का या 27,000 रुपए का या 28,000 रुपए का अगर अरेंजमेंट करता हूं और मैं अगर स्वैप करता हूं तो मेरा 5 साल के लिए मेरी फैमिली सेफ हो रहा है। ये चीज को आपको समझना है, कितने दिन में, खाली 30,000-27,000 की बात करो और उतने में पूरी फैमिली मेरी रिकवर कर रहा हूं मैं। तो आपको अगर ज्यादा खर्चा लग रहा है तो आप दो पॉइंट लोड कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो आप 3 पॉइंट लोड कर सकते हैं, वो आपकी जरूरत। लेकिन मिनिमम एक जनरल अगर फैमिली की बात करेंगे जिसको महीने का 3,000 खर्चा है, जो अगर उससे की बात करेंगे एक साल कैसा भी निकल लेगा, सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, कम से कम 7,000-8,000 रुपये मिलेगा उसको, कम से कम की बात करें, लिमिटेशन की बात करें तो जो उसका घर का गुजारा हो सकता है। आज आप कहीं पे अगर जॉब के भी लगेंगे तो 30,000 में आपको कोई जॉब नहीं देगा, इस चीज को समझना है। लेकिन वहां पे आपको हर दिन और महीने के हिसाब से काम करना पड़ेगा तब आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यहाँ पे आपका 30,000 या जो भी छोटा मोटा अमाउंट है वो अगर आप डिपॉजिट करते हैं, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत नहीं करना है, जॉब के लिए नहीं जाना है, सिर्फ पैसा लेना है, ये चीज को समझना है। अगर ये सोच के साथ अगर ये प्लेटफॉर्म का समझ के लेंगे, आज के डेट में आपके हाथ में मौका है, कल नहीं रहेगा, ये चीज को समझना है। एक बार अगर ये सिस्टम बंद हो जाता है या क्लोजिंग कर देती कंपनी तो आपके हाथ में प्लेटफॉर्म वापस नहीं आने वाला है। 5 साल का ही बात करते हैं हम, ना कि 10 साल की बात करें, ना कि आगे की बात करें, लेकिन 5 साल के लिए हमारे फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, जो भी लोग रहेंगे उनके लिए अगर बात करेंगे तो हम कितने सेफ्टी हो सकते, ये चीज को आपको समझना है। बार बार वही दोहराना नहीं है, मैंने इतना लगाया मेरा इतना हुआ। अरे आपने जो लगाया 100% मिलेगा सिर्फ 5 साल रुको, 100% मिलेगा, जो सोचा है वही हिसाब से मिलेगा, सिर्फ पेशेंस रखो और हर महीना पैसा लेने का स्टार्टअप करो। क्योंकि यहाँ पे आप अगर बात करेंगे आपका जो पैसा लगा रहे सिर्फ विद इन 10 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 10 मंथ आपको 100% रिटर्न मिल रहा है आपका कैपिटल। जो आज पैसा अगर लगा रहे उनके लिए बात करो, अगर 27,000-25,000 जो भी आज या 30,000 अगर आप आज लगा रहे और जो हर महीने आपको पैसा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 100% कैपिटल घर में आ रहा है, और उसके बाद जो प्रॉफिट 4 साल तक आ रहा है वो कितना बड़ा प्रॉफिट आप समझ सकते हैं। यानी आज अगर 12 महीने की बात करेंगे तो अगर आपने कहीं से छोटा मोटा अमाउंट से भी अगर पैसा लिया और उसमें डाला तो उसके साथ आपका 12 महीने वापस आ रहा है, इस चीज को समझना है। क्योंकि 2 महीना एक्स्ट्रा है तो 2 महीने का आपका इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे और 10 महीना आपका कैपिटल के हिसाब से बात करेंगे,
तो भी आपका 100% पैसा पहले साल में रिटर्न हो जाएगा, और सेकंड ईयर से यानी चार साल आपको कितना पैसा जनरेट होने का मौका ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको समझना है। और उसके बाद और एक नई चीज जो अभी कंपनी लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी, का आपका पैसा अभी जैसे सरकार सोचता क्या था, पूरी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए पैसा काम करेगा। और आने वाला जो समय जो है, जो नेक्स्ट अभी अपडेट हुए कंपनी का, जो आपका पैसा खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि 100% कैशबैक ऑफर आपके पास, जो हर महीना पैसा आएगा, जो आपकी दिन की जरूरत है, जो आपके महीने की जरूरत है, जो अपने घर की फैमिली की जरूरत है, वो उस पैसे से आप यूटिलाइज भी करेंगे और वो पैसा आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो आपकी सोच आपको कहां पे लेके जा सकती है, ये डिसीजन आपको लेना है, ना कि वो यूट्यूब वाला निगेटिव बात कर रहा है, ना कि आपका सीनियर जूनियर निगेटिव बात कर रहा है, उसके वजह से आप अगर रहेंगे तो आपके खुद के लिए परेशान होंगे, खुद के लाइफ के लिए परेशान होंगे, फैमिली के लाइफ के लिए परेशान होंगे, सिस्टम के लिए नहीं। सिस्टम आपके लिए बनी हुई है, हमारे लिए बनी हुई है, सबके लिए बनी हुई है, सिर्फ इसमें एंट्री कैसी करनी है, उसमें आगे कैसा बढ़ना है, उसके बारे में आपको सोचना है और प्लेटफॉर्म के साथ आपको आगे आना है। मैंने जो बोला एक सिंगल पॉइंट का बात किया, आप उसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं और आगे लेके लोगों को इसको गाइड कर सकते हैं। हम सबके लिए, अगर सब लोगों ने अगर ये तय कर दिया कि मैं खुद अगर एक नया कॉइन लेकर अगर इसमें अपडेट करूंगा, मार्केट में कितने कॉइन बचेंगे, ये चीज को समझना है, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो जो बचे हुए लोग हैं ना, उनको भी मल्टीपल पैसे मिलेंगे, क्योंकि डिमांड क्रिएट करेगा। तो लोग बोलते हैं अभी डाउन डाउन क्यों हो रहा है, अब लोग सेल करने के लिए जा रहे हैं इसलिए डाउन डाउन हो रहा है। अगर कोई लोग सेल ही नहीं करेंगे तो मार्केट में कॉइन कहां से आएंगे, कुछ कहां से नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करेंगे। फिर भी ये लोगों की गलती की वजह से, कंपनी की कोई गलती नहीं है, तो ये डाउन अगर हुआ है तो उसको भी कंपनी रिकवर करने का इतना बड़ा मौका अगर अपने आदेश ने दिया हुआ है, और फिर भी लोगों का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो उनकी गलती है, सिस्टम की, अलग सर की या लीडर की गलती है ही नहीं। तो इस चीज को समझना है, ये अपना क्लासिक का पार्ट था जो मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट देके समझा दिया है। अब इसमें आप अपने अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो भी लोग अगर अपना कॉइन स्वैप करना बाकी है, वो लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एज अ लीडर, एज अ अपने बीच में जो भी आप मेरा अगर सुनते हैं तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, अगर आप कॉइन स्वैप करेंगे तो आप सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे, इतने में बोलता हूं। बाकी जो भी लोग बचेंगे उनके लिए कंपनी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, जो आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जो लोग होल्ड करेंगे, आने वाले समय जो डिमांड क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिक उसका रेट मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन उसको आपको होल्ड कितना करना है। फिर लोग सवाल करेंगे, सर अगले महीने क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, तो मैंने क्लियर बता दिया है, वो डिमांड करेगा मार्केट के ऊपर, उसके शायद 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, धीरे धीरे वो चेंजेस करेगा, नहीं तो फिर लास्ट सिचुएशन रहेगा, उसको मदर करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, जो 100% होने वाला है, और वहां पे आपका लाइफ चेंज होने वाला, जो मदर करेंसी में रहेगा, क्योंकि मदर करेंसी का रेट क्या रहेगा ये आप बोल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, कंपनी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो यूटिलाइज होने वाला है मदर करेंसी के हिसाब से, और उसका कैलकुलेशन है कंपनी का $10,00,000 से भी ज्यादा, इस चीज को समझना है। लेकिन उसके लिए आपको सालों साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन वो $10,00,000 से भी ज्यादा जाने का चांसेस 100% अपने कंपनी के ओनर विशाल सर और हमारे कम्युनिटी को है, जो वहां पे अच्छे नजर से देखते हैं उनके लिए। बाकी जो निगेटिव देखेंगे उनको आज भी वही लगेगा, कल भी वही लगेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मदर करेंसी बनने वाली है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचने वाली है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एक समझने वाली चीज इतनी है, जो 14 साल से 14 ईयर से अगर बिटकॉइन मार्केट में है वो 70,000 क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन आलेख सर के दिमाग से कंपनी की स्ट्रैटेजी की वजह से अपना प्लेटफॉर्म कितने दिन के अंदर $1,00,000 क्रॉस कर चुका है आपको पता है। तो इनकी सोच कहाँ पे, आपको अगर ऐसा लगता होगा 14 साल में 14 ईयर में किसी एक सिंगल बंदे को ये नहीं पता कि बिटकॉइन को हम क्रॉस कर सकते, इस चीज को समझना है, छोटी छोटी चीज है, समझ वाली चीज है। ऐसे 19,000 प्लस करेंसी जो हम नाम लिख रहे, लेकिन उसमें से जो भी एमडी रहेंगे, जो भी सीएमडी रहेंगे, जो भी ओनर रहेंगे, एक सिंगल आदमी के दिमाग में नहीं आया कि हम बिटकॉइन को बीट कर सकते, जो आलेख सर के दिमाग में आया। तो यहाँ पे आपको यह समझना है, आने वाले समय में अगर बिटकॉइन 2025 की बात करते हैं, हम लोग 25 की बात करेंगे, बिटकॉइन मेरा राय है आप लोगों को, जो रोडमैप उसका बना हुआ है, लगभग $1,00,000 एक बिटकॉइन की कीमत क्रॉस होने वाली, इस चीज को समझना है। अगर ये बात है तो, या उनका एक्चुअल रोड मैप 2030 का है, ये चीज को समझना है, यानी मेरा राय जो आपको बता रहा हूँ, यानी बिटकॉइन का जो रोड मैप बना हुआ है 2030, यानी 2030 की बात करेंगे, उसके रोड मैप में बिटकॉइन को जो रोड मैप में बता दिया गया है का एक बिटकॉइन का 1 करोड़ लगभग, अपने इंडियन करेंसी में बात करेंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए उसका वैल्यू रहने वाला है। और 2035 में बिटकॉइन की एक अपना कॉइन की वैल्यू रहने वाली लगभग
15 करोड़ ये चीज को समझना है। 5 साल बहुत कीमती है वो आने वाले समय में, ये चीज को ये रोड मैप बना हुआ है उसका। जैसे हमारा भी रोड मैप जो हिसाब से चल रहा है, जो हिसाब से कंपनी बना रही है, जो हिसाब से कंपनी आगे लेके जा रही है, कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी को कॉइन का लेन देना कुछ नहीं है, शुरू से कंपनी वही रखा है, कॉइन मार्केट डिपेंड करेगा जो करना है वो। लेकिन हमको सिर्फ कंपनी को सिर्फ क्या करना है, टेक्नोलॉजी लेके आगे जाना है, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय कंपनी की टेक्नोलॉजी काम करने वाली है, इस चीज को आपको समझना है। और वो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप लोग कौन सुनता है पता नहीं है, कौन क्या सोचता है वो भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन इस चीज को तो समझना है। अपने कंपनी के पास जो भी टेक्नोलॉजी, दो तरीके से आपको सोचना है, या दो पार्ट है, मेन पार्ट है जो अपने सिस्टम को जोड़ता है और आगे बढ़ने के लिए अपना डिमांड क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, पहला पार्ट आता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी, ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट आता है जो दुनिया में है उसका अपडेट वर्जन, ये चीज को समझना है। जिसको ये चीज समझ में आया उसको कंपनी समझ में आई, कंपनी का सिस्टम समझ में आया। तो ऐसे सिस्टम के साथ हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप होने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, तो इसका मतलब हम पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, वेट कर रहे, इसको समझना है। जो भी पैसा अगर लगा रहा है सिर्फ वेट एंड वॉच करो, सिस्टम के साथ चलो, जो लोग बता रहे, अपने लीडर्स बता रहे, अपनी कंपनी के ओनर बता रहे, सिस्टम बता रहे, उसको खाली फॉलो करो, आपका दिमाग मत लगाओ। अगर आपका दिमाग होता और आपके पास अगर सही में दिमाग है, तो आप ये सिस्टम में एक तो नहीं आते, नहीं तो फिर अलग जगह पे कहीं ना कहीं आप बड़ा पैसा बना पाते। अगर ये दोनों जगह आपके पास नहीं है, तो आप अगर जिस जगह पे आए ना, एक तो आपके दिमाग से चलो, नहीं तो सिस्टम के दिमाग से चलो, तो ही आप आगे जा सकेंगे। नहीं तो आप दोनों तरफ से देखेंगे तो आप आगे कभी नहीं जाएंगे। नजदीक का मत सोचो, नजदीक का सोचने से नजदीक ही मिलेगा, और बड़ा सोचने से या आगे का सोचने से आपको बहुत बड़ा मिलेगा। जो अलेक्स सर आज आपको सबको पता है, हम परेशान किस लिए, हमारी कम्युनिटी किसी के 50 लोग है, किसी के 500 लोग है, किसी के 5000 लोग है, किसी के 50,000 लोग है, वो लोग परेशान है। अरे जिनके पास आगे 50 लाख से भी ज्यादा लोग है वो परेशान नहीं है, वो सामने सबके सबके सामने काम कर रहे, सबके सामने उसको ऑप्शन निकाल रहे, वो लोगों को का जो लोग उनको बुला भरा कर रहे, उनको गालियां दे रहे, उनके लिए इस चीज को समझना है। तो क्यों? क्योंकि उनको वो लोग क्या बोल रहे वो पता नहीं है, उनको यही पता है मेरे साथ जो भी लोग आए उनको मेरे को आगे लेके जाना है, और बहुत सारे लोगों को मेरे को अच्छा यहाँ पे सिस्टम के साथ एक सपना उसका जो भी है वो पूरा करके देना है। तो इसी के साथ सर ने अभी जो ऑडियो 4-5 दिन पहले 8 दिन पहले की बात है, जो वीडियो में मैंने बताया था सर, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, सर का कहना है आपने इतना समय दिया मेरे को, सिर्फ एक साल दो, जो 2023 है, जो हर साल चेंजेस हो रहा है, हम बहुत मजा करते हैं। जैसा कभी अगर साल चेंज होने वाला है ना 31st को, हम बहुत मजा करते हैं सब लोग, अरे लेकिन हम मजा करते हैं, लेकिन अपनो एक साइड हम एक बाजू भूल जाते हैं कि वो साल हम जिस दिन मजा करते हैं ना, अपने जीवन का एक साल कम हो गए, इसको हम ध्यान नहीं देते। जल्दी सॉरी टेक्निकल इश्यूज का कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, स्क्रीन अच्छा दिख रहा है आपका। तो यहाँ पे एक बोलने की मतलब इतना ही है कि कंपनी अपना जो भी अपडेट करके लेके जा रही है उसके ऊपर भरोसा करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम जो फर्स्ट पार्ट था अपना क्लासिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दिया आज के लिए, उसके बाद हमारा जो आता है एक्स कॉइन का पार्ट, जो अपना स्टेबल की सबसे कंपनी वर्किंग कर रही है, और उसके लिए अगर बात करेंगे जो कंपनी अपना जो एक्स कॉइन के बारे में जो आने वाले 2 साल के लिए कंपनी क्लियर बता दिया है कि अपना ये प्लेटफॉर्म यानी जो अपना एक्स कॉइन है वो 100%
स्टेबल के हिसाब से कंपनी लेके जाने वाली है। यानी सर का ये भी कहना है कि अपना जो लास्ट जो भी पर्सन रहेगा वो भी अपने एक्स पॉइंट से $1,000 से बाहर निकलेगा। इस चीज को सबको समझना है। फिर भी आपस लोग बार बार सवाल करते हैं, उनके लिए क्लियर बताता हूं मैं। सर ने क्लियर बता दिया है कि जो अपना एक्स कॉइन, क्योंकि एक्स कॉइन ये अपना कम्युनिटी पे बना हुआ कॉइन है, ये सिस्टम को समझना है आपको। ये कभी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने वाला है, कोई भी एक्सचेंज पे अलग एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होने वाला है, सिर्फ वो कॉइन बिट के ऊपर और जो कंपनी का नया प्लेटफॉर्म आएगा उसके ऊपर ही लिस्टेड रहेगा। जैसे सिर्फ अपना लेन देन होगा, बाय सेल हो सकता है, जो भी हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, वहां पे होने वाला है, बाकी अदर जगह पे कभी नहीं होने वाला, लास्ट तक नहीं होने वाला है। तो इस चीज का समझना है। और ये कॉइन अपना सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए बने हुआ है, इसके वजह से उसका बाय और सेलिंग कंपनी की तरफ से हो रहा है, और कंपनी उसको आपको बाय भी करना है और सेल भी करना है, तो अपना जो पीएलसी से जाना और पीएलसी से अगर आना है तो पीएलसी भी अभी कंपनी अपने हाथ में डिमांड करके यानी हाथ में लिया हुआ है, तो उसको भी कितना कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना, डिमांड कैसे क्रिएट करना, उसके बारे में कंपनी सोच के ही काम करेगी, क्योंकि सब चीज अभी कंपनी को पता चल चुके। उसके बाद अगर बात आता है सेकंड पार्ट, जो अपना जो है सेकंड पार्ट की अगर बात करेंगे तो अपना जो पीएलसी जो है उसको कैसा कन्वर्ट करके आपको लेके जाना है, या उसको विड्रॉल कैसा देना है, या उसको सेलिंग के लिए कैसा छोड़ना है, ये पूरे अपने कंपनी के पास है। तो इसके वजह से उसको डिमांड हमेशा क्रिएट करता रहेगा दोनों चीज का, जो बाय सेल के लिए जो भी रहेगा। तो दोनों सिस्टम कंपनी के हाथ में होने के कारण, जो भी स्टेबल के सबसे कंपनी मार्केट में काम करने के कारण वजह से क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे सब लोगों को अच्छा पैसा बनाने का मौका बहुत अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी को और उसको सपोर्ट करने वाली बातें है जो अपनी टेक्नोलॉजी, जो ये प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाने के लिए, और साथ साथ अपना कंपनी का जो नेट टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, जैसे अपना 100% कैशबैक ऑफर होगा, उसके बाद अपना जो प्लैटिनम डील रहेगा, उसके बाद अगर बात करेंगे जो अपना कार्ड प्रोग्राम है, जो अपना कार्ड प्रोग्राम है, उसके बाद अपना जो कार्ड डेबिट कार्ड दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने हाथ में दिया हुआ है जो डिमांड क्रिएट करेगा। आप बोलेंगे अभी कार्ड के माध्यम से कैसा डिमांड क्रिएट करेगा, उसमें दो चीजें, एक तो कार्ड से पैसा विड्रॉल होता है इसलिए लोगों का भरोसा आएगा, इसलिए कम्युनिटी मल्टीप्लाई करेगी, और सेकंड पार्ट आता है जैसा पेटीएम का मैंने उदाहरण लास्ट टाइम भी दिया था, अभी भी दूंगा, क्योंकि कार्ड के ऊपर अगर कोई कॉइन होल्ड हो जाता है तो हमारे लिए छोटी सी अमाउंट होती है, लेकिन सब लोगों का इकट्ठा करेंगे तो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है, यानी बहुत सारी होल्डिंग हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे होल्डिंग होने के कारण भी क्या होगा, डिमांड क्रिएट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो अभी वर्किंग अच्छे तरह से काम करना स्टार्ट करेगी, तो ये चीज आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह अगर बात करेंगे, यहाँ पे सब चीजें जब वर्किंग करने स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टेबल जो प्लेटफॉर्म है वो 100% सबको अच्छा पैसा बनने का मौका देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी दोनों चीजें, जो मेन चीज है जो कंपनी की तरफ से अपना $1,00,000 से बाहर आ रहा है उसको भी हैंड ओवर कर, यानी कंपनी के हाथ में होने के कारण अभी डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनी कंट्रोल कर सकती है, उसके लिए डिमांड क्रिएट कर सकती है, उसको जिस कॉइन से अगर लेन देन करने वाले है वो भी कंपनी के हाथ में होने के कारण अभी क्या है, हम एक कॉइन देके एक कॉइन अपना पीएलसी का ले रहे, यानी क्लासिक देके एक कॉइन ले रहे, उसके बदले उतने कॉइन मार्केट में आने वाले, उसकी वजह से वो भी एक कंट्रोलेशन कंपनी के हाथ में, क्योंकि उसको अभी मिंटिंग होकर 5 साल में डिवाइड करके देने वाले, तो 5 साल में बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके साथ जुड़ने वाली, जितनी कॉइन से उसने कई गुना ज्यादा कम्युनिटी इसमें आने वाली, तो सबको कॉइन कितना अपने हाथ में रहने वाला, इस चीज को समझना है। जैसे बाहर आ रहे जैसे ऑटोमेटिक यूटिलाइज हो रहे, जैसे बाहर आ रहे जैसे ऑटोमेटिक यूटिलाइज हो रहे, क्योंकि यस कॉइन के लिए लोग कम्युनिटी एंट्री करेगी, तो उसमें क्या करेगा, फार्म लेने के लिए भी लगेगा, उसके बाद उसको कॉइन रखने के लिए भी लगेगा। तो ये हिसाब से क्या होने वाला है, दोनों तरफ से अगर बात करेंगे तो जितना कॉइन मार्केट में आ रहा है वो बहुत कम कॉइन है, क्योंकि जिस लेवल पे कंपनी 2% 5% या 10% या 20% दे रही है ना, उसके हिसाब से उसमें क्या होगा, बहुत कम कॉइन मार्केट में हर महीना हर दिन रिलीज होने वाले, और उसके वजह से जितना डिमांड क्रिएट होने वाला है मार्केट में, जिसका उसका डिमांड जो क्रिएट होने वाला है, क्योंकि एक्स कॉइन का मिंटिंग 50% 55% 40% जो अभी अगर बात करेंगे अपन, ये सब चल रहा है महीने की बात कर रहा हूँ, वो इस हिसाब से बाहर आएगा, तो कितना बड़ा डिमांड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा, इस चीज को समझना है। यानी हम अगर बात करेंगे जो महीने का जो 2% कॉइन साल का बाहर आ रहा है, और एक्स कॉइन महीने का 50% बाहर आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन आप समझ में आएंगे आपको तो पता चलेगा, 2% साल यानी साल का और 50% महीने का, और उसको यूटिलाइज करने के लिए लेन देन करने के लिए जो यूज होने वाला कॉइन 2% वाला। तो ये चीज को आपको समझना है कि कितना बड़ा डिमांड क्रिएट करने वाला मार्केट में, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको आज भी समझ में नहीं आएगा, जब ये लेन देन स्टार्ट हो जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग अभी जो क्वेश्चन चल रहा है मार्केट में, ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसा क्यों नहीं हो रहा है, जो सेल नहीं हो रहा है, या आपको बाय नहीं हो रहा है, या जो भी चीजें हो रही है,
सिर्फ आपके हाथ में, लगभग मैंने कल भी रात के मीटिंग में बताया, कभी भी ये स्टार्टअप हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने बताया था आपने को टू वीक से फोर वीक के लिए बोला था, दो वीक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, थर्ड वीक अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फोर्थ वीक अभी नेक्स्ट वीक है। तो ये इसके बीच में ये शायद दो घंटे में क्लियर हो सकता है, शायद दो दिन में क्लियर हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते के अंदर कभी भी क्लियर हो सकता है। और जब भी अपना टाइम निकल जाएगा और ये सिस्टम मार्केट में रन करना स्टार्ट कर देगी, हम लोगों का ना यानी हम ये बोल सकते धांधल होने वाली मार्केट में, यानी लोग कंफ्यूज होने वाले, क्या करूं अभी, करूं तो क्या करूं, क्योंकि हर चीज ये कंफ्यूज में आपको डाल देगी, मैं ये काम करूं या वो काम करूं, मैं ये काम करूं या वो काम करूं, ऐसा होने वाला है। क्योंकि इतना डिमांड, इतना सब चैटर्डी अभी जो मार्केट बन के मार्केट में आएगी ना, तो हमारा कॉइन तो कुछ भी नहीं, किसके बोल रहे हैं, जितना भी कॉइन उसके पास होगा ना विद इन सेकंड में इधर उधर हो जाएगा, विद इन सेकंड में। क्योंकि आज भी अगर आप बोलेंगे ना नहीं सही एक्स कॉइन का विड्रॉल भी स्टार्टअप कर देंगे ना, तो आपको ही पता है मार्केट में विड्रॉल मैंने कॉइन मिलना बंद होने वाला है, क्योंकि कंपनी इसकी वजह से अपना खुद का कॉइन मार्केट में नहीं छोड़ रही है, जो कमिटी का कॉइन है वही मार्केट में जा रहा है, जो मिंटिंग होकर कॉइन आ रहा है वही मार्केट में जा रहा है। और अभी ये जैसा अभी ये महीने का अभी लगभग एक महीना होने को आएगा अपना, और एक महीने के बाद क्या होगा, जो भी लोगों का अपना रूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, रूलिंग कौन सा, पीएलसी का, जैसा अभी कॉइन स्वैप करने के बाद तुरंत अपना क्या आ रहा है, पीएलसी आ रहा है आपका पहले महीने का, तो वो लोगों को फिर वापस एक महीना पूरा होने के बाद फिर वापस पीएलसी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी रूटिंग में नहीं आया है क्योंकि एक महीना पूरा नहीं हुआ है स्वैपिंग के लिए, अपना एक महीना पूरा नहीं हुआ है, जैसा भी एक महीना कंप्लीट हो जाएगा स्वैपिंग के लिए क्या होगा, रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी डील ही नहीं कॉइन मार्केट में आएगी, जैसे एक कॉइन के अगर मार्केट में आएगा ना तो पीएलसी की भी डील आने स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रूटिंग बैठेगा ना एक बार कंपनी का। तो आपको मैं इतना ही बोलूंगा, ये डिमांड और सप्लाई का खेल के हिसाब से ये सब जगह से आपको डिमांड करते हुए देखेगा, क्योंकि एक्स कॉइन का भी डिमांड मार्केट क्रिएट होगा और अपना पीएलसी का भी क्रिएटेड होगा। इसलिए क्योंकि जब ये सॉफ्ट हो जाए होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्स कॉइन का जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो लोग फार्म परचेस करेंगे, उसको कॉइन अपलोड करेंगे, तो अभी कॉइन अपलोड करने के लिए क्या होगा, कॉइन फार्म के लिए तो 20% यानी बचेगा, यानी 80% अपना कमीशन बांटा जा रहा है, तो 20% बचेगा, लेकिन वो 20% के साथ साथ जब ये फार्म लेगा तो 20% ही आटे यानी वहां पे लटक जाएगा, यानी अटक जाएगा, यानी अमाउंट जो की बात करेंगे, लेकिन 100% उसमें अपलोड, यानी 200% उसमें लोड होने, 200% इस चीज को समझ रहे, यानी अगर हमने एक कॉइन का फार्म लिया तो 55 लाख का जो लगभग जो आ रहा है, लेकिन उसमें आज कॉइन कितने बढ़ रहे, 90 लाख के आजूबाजू, 1 करोड़ के आजूबाजू, यानी उससे डबल लगभग, और अपना 20% ऑलरेडी फार्म लेने के बाद स्टार्ट हो गया है। तो ये कैलकुलेशन आप जब दिमाग में आएगा ना आपके, तो पता चलेगा कितना बड़ा पार्ट यहाँ पे बनने वाला है, कितना बड़ा सिस्टम मार्केट में क्रिएट करने वाला है। तो ये चीज को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा तो मार्केट डिमांड कितना क्रिएट करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हम वर्क भी कर रहे, तो जैसा फार्म लेंगे, फार्म में 20% और उसके कॉइन लोड करने के लिए 200%, यानी फार्मिंग की बात करेंगे तो लगभग 200%, यानी हमने जिस कैलू का फार्म ले रहे उसके डबल के कैलकुलेशन के हिसाब से अपना कॉइन यहाँ पे लोड हो रहा है, 200% बोल सकते हैं इसको, तो इस हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन आप जब समझ में आएगा और उससे जो फिर वापस हर महीना आप बोलेंगे सर ये भाई लॉक तो हो रहा है, क्योंकि मार्केट के कॉइन उठा जाएंगे और वहां पे लॉक हो जाएंगे, यानी मल्टीपाई कॉइन एक्स कॉइन मार्केट में वहां पे लॉक होने जा रहे, लेकिन आप बोलेंगे वहां पे 50% वापस बाहर आ रहा है, तो वो 50% जो बाहर आ रहा है उसके लिए 2% साल का कॉइन बाहर आ रहा है, उसको आप यूटिलाइज होने वाला है। तो ये कैलकुलेशन जब आपको ये किसे थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ा जाएगा, जिसको टेक्नोलॉजी समझती उसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ अपने को ये 15 दिन एक पैनिकनेस का रहेगा, जो थोड़ा सा अपने दिन का जो काम करना बंद कर देगा, लेकिन फरवरी से ये रूटीन पे आना स्टार्ट हो जाएगा और मार्च से ये अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट करेगा। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब कंपनी का फंक्शन हो जाएगा और कंपनी का मार्च महीना का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से लोग निकल भी जाएंगे, सिस्टम को समझ में जाएंगे, कंपनी बहुत सारी चीजें उसको अटैच करेगी, क्योंकि 100% कैश बैक ऑफर है, वहां पे बहुत सारे कॉइन लॉक हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें लॉक हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे पीएलसी यूटिलाइज होने वाला है, क्योंकि 100% कैश बैक ऑफर जो है ना वहां पे मार्केट से पीएलसी उठाने वाले, इस चीज को समझना है, क्योंकि आपको रिटर्न जो मिलेगा पीएलसी मिलेगा, एक्स कॉइन नहीं मिलेगा, पीएलसी मिलेगा, तो पीएलसी वहां पे और डिमांड क्रिएट करेगा, तो पीएलसी का रेट और डिमांड क्या करेगा, वैल्यूएशन बढ़ाएगा, डिमांड क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ाएगा। तो जो लोग आज सोच रहेगा मेरे को कम पैसा आने वाला है या छोटा पैसा आने वाला है, वो लोग तब पछताएंगे कि हमने ये गलती क्यों किया, हमने अगर किया होता तो हमको ये मिलता, हमने अगर ये किया होता तो हमको ये मिलता। तो ये चीज को समझना है और इस सिस्टम के साथ आपको
बने रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जो विड्रॉल की बात मैंने जो क्लियर बता दी है, आने वाले मैंने कल के लास्ट डेट है, कल का लास्ट डेट अपना प्रमोशन का है। एक तो कल तक कंपनी आपको कॉइन को फ्री करेगी, जो आपने इस कॉइन का चार्टर्डी जो बना देगी, नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा के मिल सकता है। ये चीज को समझना है, तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कंपनी को भी पता चलता है कि सिस्टम अगर क्लोज है, सिस्टम अगर कुछ दिक्कत कर रही लोगों को काम करने के लिए, तो ये सिस्टम को समझता है और इसी हिसाब से वो तैयारी कर रहे जो सिस्टम को सही ढंग से जल्दी करे और लोगों को सर्विस देना स्टार्ट करे, क्योंकि लोगों को सर्विस मिलेगा, लोगों का सब चार्टर्डी अगर काम करना स्टार्ट करेगा तो ही बिजनेस बूम होगा, और तो ही बिजनेस बूम होगा तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी, लोगों को भी पैसा मिलेगा और सिस्टम भी आगे अच्छा काम करेगी। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर कंपनी को जरूरत है तो लोगों को भी जरूरत है, दोनों को भी जरूरत है, इस चीज को समझना है। हम अगर खाली बातें करेंगे ये ऐसा क्यों वो ऐसा क्यों, वो अगर सोचना आपका काम नहीं है। अगर ये आपको सोचना है तो आप खुद का कंपनी डाल सकते हैं या खुद का नया काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना दिमाग है तो। लेकिन अगर आपके पास सही में दिमाग नहीं है तो जिसका दिमाग चल रहा है उसके साथ आप चलो, उसके साथ आप कनेक्ट रहो। बोलते ना जैसा जो आंधा होता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो 100% सामने वाले के भरोसे पे चलता है, 100% वो सामने वाले के भरोसे पे चलता है। लेकिन जो एक्सीडेंट किसका होता है हमारे, जिसका आंख है उसका ही होता है, ये चीज को समझना है, क्योंकि वो खुद के भरोसे पे चलता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ या क्या ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, कुछ नहीं पता चलता उसको। तो जो लोग आज कंफ्यूजन है ना, उनके लिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप अगर कंफ्यूजन है ना तो इसलिए आप आंधा बनो और सामने वाले के भरोसे पे आप काम करो, यहाँ पे आपको 100% या 1000% प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। लेकिन आपको आंधा बनना पड़ेगा। अगर आप होशियारी करेंगे, आप अगर ज्यादा बातें करने का कोशिश करेंगे, वो आपके लिए नुकसान रहेगा, कंपनी के लिए नहीं रहेगा। आपने कंपनी क्लियर बता दिया है, आपको चाहे तो आप बाहर जा सकते हैं, आपको चाहे आप होल्ड कर सकते हैं, आपको चाहे आप सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो भी चीजें आपके सामने रहती है, कोई भी जबरदस्ती नहीं किया है, कंपल्सरी नहीं किया आपको सर्फिंग करना जरूरी है, कंपल्सरी नहीं किया आपको सिस्टम एक्स में आना जरूरी है, रास्ते आपके बीच में, उसको लेना है आपको। जैसा अगर बात करेंगे कुछ लोगों का, मेरा जो भी बातें होती है, जो मैसेज होते हैं, जो कॉल होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरा, कभी कभी एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा में, अभी आप समझ सकते हैं, हम अपने परिवार को कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए 10 बार सोचते हैं, मेरा क्या होगा, नेट खराब होगा, या मेरा जो इनकम की बात करेंगे, या अपना जो अगर क्या बोलते उसको बैलेंस खत्म हो जाएगा। मैं अभी ऑलरेडी बाहर के कंट्री में होने के बावजूद भी ऐसा कोई अपनी इंसान नहीं, ऐसा कॉल नहीं उठाता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचा मेरा बैलेंस इतना जाएगा। मैं एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा आज भी लीडर के साथ बात करता हूँ, एक एक आदमी के साथ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा आज मोबाइल का बिल आप देखेंगे, मैं आपको लाइव शो करता हूँ, डेढ़ डेढ़ लाख तक मेरा मोबाइल का बिल जा रहा है, टोटल मोबाइल का डेढ़ डेढ़ लाख तक मैं बिल पे कर रहा हूँ लोगों के लिए। आज ये रूम का मीटिंग चलता है, उसके लिए बिल पे करना पड़ता है। मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको लोगों को बातें किया तो थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन ये चीज को समझना है, मेरा पैसे की गिनती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को जो देना चाहता हूं, अगर वो लेना चाहते तो फिर आप अपनी होशियारी के साथ काम करना चाहते तो आप खुद करो, नहीं तो फिर सिस्टम के साथ काम करना चाहते तो हमारे साथ आओ, मेरा यही कहना है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म के साथ अगर आपको सही में आगे बढ़ना है, ये सिस्टम के साथ अगर सही में आपको पैसा बनाना है, तो आपको आंधा बन के काम करना पड़ेगा, तब आप इस सिस्टम में काम करें। यानी आंधा बन के काम करना पड़ेगा, आप कुछ भी करना ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, भरोसा करना। यानी आंधा आदमी जैसा भरोसा करता है और फिर वो आगे बढ़ता है, उसी तरह आपके जो लीडर्स रहेंगे, आपकी जो कंपनी है, आपके जो कंपनी के ओनर है, उनके ऊपर आपको आंधा बन के विश्वास करना पड़ेगा, ताकि आप सक्सेस हो सके। मेरा ये मतलब नहीं कि आपका नुकसान करे, या मेरा ये मतलब नहीं कि आपका नुकसान होना चाहिए, या मेरा मतलब ये नहीं कि आप डूबना चाहिए। मेरा मतलब है कुछ समय क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है लाइफ में का उसके लिए समय से ज्यादा आपको कुछ नहीं कर सकते, ये चीज को आपको समझना है। अगर आपको बच्चे को बड़ा करना है तो आपको उसके लिए समय ही देना पड़ेगा, आप पैसा देके, आप उसको मारपीट करके, या आप उसको जबरदस्ती करके उसको बड़ा नहीं बना पाएंगे, उसको समय ही देना पड़ेगा, ये चीज को समझना है। या कुछ अगर दुख की बात हमारे घर में होती है, या वाकई कहीं भी होती है, उसके लिए आपको समय ही देना पड़ेगा। एक दिन में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते, या उसको तरक्की कर सकते, या आगे बढ़ सकते। उसी तरह अगर यहाँ पे कुछ भी अगर ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, सिर्फ शांति रखना है। जो भी करने वाला है वो सिस्टम करने वाला है, सिस्टम आपको करके देने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज को समझना है। सिर्फ शांति रखना है और सिस्टम के साथ बने रहना है, तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, ये चीज को आपको समझना है। आप सिंगल छोटा कॉइन भी आपको यहाँ पे लखपति बनाने जा रहा है, सिर्फ आपको सिंगल क्या करना है, पेशेंस रखे काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
सिर्फ पेशेंस, बाकी कुछ नहीं करना, ये चीज को समझना है। आप अगर कितना भी छोटा कॉइन आपके पास रहेगा ना तो भी आप लखपति बन रहे, आप 5 साल का कैलकुलेशन करके रखो। आप ऐसा मार्केट में कोई ऑप्शन है जो आपको करोड़पति लखपति बना सकता है? कोई भी नहीं है। तो फिर काय के लिए आप जिस सिस्टम ने आपको सामने दिख रहा है जिस चीज 100% होने वाले है, वहां पे अगर आप इधर उधर की बातें करते रहेंगे, आगे पीछे की बातें करते रहेंगे, तो हमको ये हमारा सवाल क्या करेगा, हमको पीछे लेके जाएगा। हमारा जो निगेटिविटी क्या करेगा, हमको पीछे लेके जाएगा। लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी थिंकिंग और सिर्फ अंधा बन के या विश्वास रख के सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, आपको क्या करना है, आपका जो आया हुआ कॉइन है ना वो सिर्फ स्वैप करना है और 5 साल तक इनकम लेना है अंधे बन के, कुछ नहीं करना है, बराबर है। लेकिन अगर आपने ज्यादा होशियारी दिखाई, आपका कॉइन आपके हाथ में, जो करना है आप कर सकते, आपको उसको सेल करना है, वेट करना है, जो करना है आप कर सकते, उसके लिए आपको ओपन रखा है। तो आपको होशियारी करके आपको फायदा हो रहा है, अंधा बन के आपको फायदा हो रहा है, आपको देखना है और आगे बढ़ के इस सिस्टम के साथ आपका खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, अपने पूरे आजूबाजू के लोगों के लिए, यहाँ पे इतना बड़ा पैसा कंपनी आपको बना के देने वाली है अगर प्लेटफॉर्म अपने साथ में रखा हुआ है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आपके बीच में रखी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको आपको बने रहना है, आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है, या सक्सेस के रास्ते में आगे चलना है, इतना ही बोलता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो पैसिव इनकम की बात करेंगे, यहाँ पे हम सोते भी रहेंगे तो भी पैसा जनरेट करने का इतना बड़ा मौका अगर ये प्लेटफॉर्म ने, अमित शालिक सर ने, अगर अपने लोगों ने आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको समझ के लेना है और अपना पैसा बना के लेना है। ये मार्केट में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो ये कंपनी आपको प्रॉफिट बना के देने वाली है, ऐसा कोई भी कंपनी आज मार्केट में, इस चीज को समझना है। और वर्ल्ड में मैंने बताया, हजारों कंपनी आई और हजारों कंपनी निकल गई, लोगों को रोने के लिए छोड़ दिया और लायबिलिटी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन ये कंपनी के ओनर आज आपको यहाँ पे रास्ते पे नहीं छोड़ रहे, आपको यहाँ पे साथ लेके चलने का वादा कर रहे और आपको पैसा बनने का वादा कर रहे। ये चीज को आपको समझना है और ये सिस्टम के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे पैसे लोगों के इनकम के लिए लोगों को क्लियर किया। उसके बाद जो अपना एक्टिव इनकम की बात करेंगे, जो लोगों के पास सही में अगर पैसा नहीं है, देखो भगवान क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ये चीज को समझना है। तो यहाँ पे अलेक्स सर के माध्यम से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। अगर आपका पैसा लूज हुआ है, आपका पैसा अगर वैल्यू कम हुआ है, तो उसके लिए ऑप्शन तो दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको लंबा समय जा रहा है, 5 साल जा रहा है, 2 साल जा रहा है, 3 साल जा रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप एक्स कॉइन में इन्वेस्ट करो, उससे मल्टीप्लाई करो, ये एक अलग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन आप बोलेंगे अभी अभी यहाँ पे हमारा पैसा लूज हुआ है तो हम कहाँ से पैसा लाओ, उसके लिए आपको एक्टिव इनकम दिया हुआ है। आपके हिसाब से लोगों को बताएंगे। अभी आपको ये पता है क्या, अगर अपना जो क्लासिक के बारे में पता है या पीएलसी पुराने की बात है, उसको डिमांड क्रिएट नहीं होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन अगर कंपनी अभी क्लियर बता दिया है, जो आप 4 महीने से 5 महीने से क्लियर बता देख रहे अपना एक्स कॉइन स्टेबल के हिसाब से काम कर रहा है, तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। तो वीर ऐसे जगह पे हम अपने लोगों को लेके आ सकते हैं या अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं और इस सिस्टम के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करके या आपका प्रॉफिट जनरेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर लोगों को लेके आएंगे तो आपको क्या बनेगा, आपका पैसा जल्दी फ्री करेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका पैसा फ्री होने के लिए लोगों को जोड़ना है, आपका पैसा जो भी है वो लेवल के हिसाब से, उस डेट के हिसाब से, उस महीने के हिसाब से, उस साल के हिसाब से आपको मिलने वाला है। लोगों को लेके आएंगे तो भी मिलेगा, नहीं लेके आएंगे तो भी मिलेगा, वो अलग पार्ट होगा। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन जो है वो आपको चॉइस करना है। एक तो एक्स कॉइन में आपको एंट्री करना है, वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं तो सेकंड पार्ट आता है एक्टिव इनकम से। आपको क्या लगता है, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स है, जो भी लीडर्स है, सबके पास पैसा था? किसी के पास पैसा नहीं था। जो जुड़े तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी पूंजी थी या नहीं थी, फिर भी वो लोगों ने एडजस्ट किया, सिस्टम के साथ जुड़े, लोगों को साथ लिया और वो इनकम से, उस प्रॉफिट से उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा करके री इन्वेस्टमेंट करके यहां तक पैसा बनाया हुआ है। अगर वो लोग पैसा बना सकते हैं तो हम सब बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला है, ना कि सिर्फ लीडर बोल तो उसे कुछ माथे पे लिखा नहीं है, ये लीडर है। जो लोग यहाँ पे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके आए, जो लोग यहाँ पे कोई पैसा नहीं होने के बाद भी अगर इस सिस्टम में जुड़े, वही लोग लीडर बने, वही लोग आगे बढ़े। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, आप कहाँ तक पढ़े, आपका कैटेगरी क्या है, आप गरीब घराने से या अमीर घराने से, ये कोई भी नहीं है। सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मेरे को कुछ करना है, यही एक ही छोटी सी चीज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन बना सकती है एक छोटी सी सोच। और ये मौका पूरे दुनिया में सिर्फ ये प्लेटफॉर्म के साथ है। आप हम कहां भी जाएंगे ना,
हर जगह पे कोई ना कोई क्या है, क्यूरी आपको जुड़ने के लिए हर जगह पे, कोई दुनिया में कोई भी जगह पे जाएंगे ना, ये मेरे वाली कंपनी क्यों ना हो, कोई आपका ऑफिशियल काम क्यों ना हो, कोई आपका ये बाकी इधर कोई सिस्टम क्यों ना हो, हर जगह पे आपको पूछा जाएगा आपका सब चीजें। एन एग्जाम्पल, आप कहाँ तक पढ़े, आपकी डिग्री क्या है, अगर ये में रहेंगे, अगर बाकी का आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, भले वो 1000 रुपीज का होगा, वो 100 रुपीज का होगा, लेकिन वो लेना पड़ेगा, तभी आपका एंट्री होगा, तभी आप काम कर सकते हैं। यानी हर जगह पे आप कहाँ भी अगर जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ क्यूरी है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी कंपनी में सिर्फ एक ही सिंगल क्यूरी है, आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, आप इस सिस्टम के साथ जुड़ सकते और यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते आपके खुद के लिए और साथ साथ अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। हम यहाँ पे खुद भी पैसा बना सकते और लोगों को भी पैसा बना के दे सकते, जैसे हम लोगों ने, मैं हूँ या मेरे साथ जो जुड़े लीडर्स लोग है, जो कंपनी के साथ जुड़े पूरे 140 कंट्री के लीडर्स है, उन्होंने लोगों को पैसा बनाने का मौका दिया और आज वो भी पैसा बनाया और लोगों को भी पैसा बना के दिया। यानी यहाँ पे निगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना है, खाली नुकसान ही हो रहा है। तो अगर कुछ लोगों का नुकसान होते आप देख रहे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, डिमांड क्रिएट करने का पार्ट है, लेकिन ये कंपनी आज दुनिया के सबसे ज्यादा लखपति, सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अरबपति देने वाली प्लेटफॉर्म है। तो अपना सिर्फ और सिर्फ पीएलसी, ये चीज को समझना है, नहीं तो आप ऐसा मार्केट में चेक करके देखो, ऐसी कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मेरे को कोई कंपनी दिखाओ जो पीएलसी ने मार्केट में दिया, वो किसी और ने दिया है। अगर यहाँ पे आपका कंपनी का नंबर 1 आता है, तो फिर इस कंपनी को नाम रखने के लिए या गलत बोलने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं होना चाहिए, ये मेरे को इतना ही बोलना है। और यहाँ पे मैं आज के लिए इतना ही बोलूंगा, जो एक्टिव इनकम है वहां पे जितना बड़ा पैसा कंपनी अगर जनरेट करके दे रही है, और वो भी खुद का पैसा, ना कि लोगों का पैसा, क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी परचेस करने के बाद उसके ऊपर हमको पैसा मिल रहा है, ना कि मार्केट में कॉइन परचेस करने के बाद, क्योंकि मार्केट में जो कॉइन है वो अलग पार्ट है, और हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म के लिए, यानी अपना टेक्नोलॉजी के लिए। और उसमें जो कंपनी का हक है, उसमें से कंपनी अपने को कितना पैसा बांट रही है। अगर कंपनी 10% देगी तो भी लोग लेंगे, कंपनी 20% लेगी तो भी लोग लेंगे, क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो आपको कॉइन मिंट करके दे रही है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इस चीज को समझना है। क्योंकि जो कंपनी दे रही है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो अगर कंपनी कुछ भी पैसा नहीं देगी तो भी लोग लेंगे, ये समझना है। क्योंकि हम अगर मोबाइल की दुकान में जाते और मोबाइल लेते तो उसका हमको कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमको जरूरत है। तो इसको कमीशन मिलता है किसी को नहीं मिलता है। हर क्लाइंट, हर लोग जब अगर दुकान में जाते हैं, सिर्फ अपना पैसा, जो भी चीज रहेगी उतना पैसा देना है, चीज को लेके आना है और यूटिलाइज करना है, इसी ज्यादा कुछ नहीं भाई, क्योंकि वो फिजिकल टेक्नोलॉजी। लेकिन हम यहाँ पे जो लोग अगर कोई टेक्नोलॉजी लेने के लिए, परचेस करने के लिए जा रहे हैं, और कोई एक्टिव इनकम में अगर काम कर रहे हैं, तो लोग उनको कंपनी कमीशन तक बांट रही है, और वो भी 10% 20% 30% में बांट रही है, 80% तक डिवाइडेशन कर रही है। इस चीज को आपको समझना है। अरे इतना बड़ा पैसा बनाने का मौका दुनिया में कहीं पे अगर है, तो मुझे बताओ कि आप 100 रुपए देने के बाद 80 रुपीज आप लोग तुरंत विद इन सेकंड कमेंट डिवाइडेशन कर रही है, विद इन सेकंड। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 2 साल के बाद आओ, 1 हफ्ते के बाद आओ, 2 हफ्ते के बाद आओ, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन सेकंड जो आप विद इन सेकंड विड्रॉल कर सकते हैं, उसके कोई सैटरडे नहीं, संडे नहीं, कुछ भी नहीं है, कभी भी उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। और उसके लिए वो ओरिजिनल करेंसी, वो भी चीज को आपको समझना है। बाकी अदर बहुत सारे कंपनी आपने देखे होंगे, वहां पे डॉलर होंगे, यूरो होंगे, लेकिन वो कंपनी के प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और बाद में आपको उसके अकाउंट से कैश विड्रॉल होता है डायरेक्ट, आपके अकाउंट में एनएफडी होती है, क्योंकि वो विड्रॉल करने वाले जो कॉइन्स है, यानी विड्रॉल करने वाले जो आपके डॉलर है, विड्रॉल करने वाले जो आपके यूरो है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो वॉलेट टू वॉलेट घूमने वाली चीज है। लेकिन हमारी कंपनी इतनी इथिक्स के साथ काम कर रही है, पूरे लीगल के साथ कंपनी वर्किंग कर रही है, इसके वजह से हमारा जो भी यूरो भी आ रहा है, हमारा डॉलर भी जो आ रहा है, वो ओरिजिनल है। आप उसको डायरेक्ट विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक खाते में, आप डायरेक्ट ले सकते हैं अपने एटीएम कार्ड में, सब चीजें कर सकते हैं। इस चीज को समझना है। यानी ये कंपनी कोई भी बाकी कंपनी की जैसे, या बाकी कंपनी का जो चार्टर्ड के हिसाब से कंपनी काम नहीं कर रही है, 100% 140 कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन कंपनी फॉलो कर रही है, उसको अपडेट कर रही है। हमारे जब सर से बातें हुई, सर से जब हमारे मुलाकात हुई, तब सर को, सर ने बोला, अगर आपको किसी ने अगर पूछा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आप 100% आपका डैशबोर्ड दिखा सकते और उसको शो कर सकते हैं, मैंने यहाँ से पैसा बनाया, क्योंकि ये लीगल प्लेटफॉर्म है, लीगली सिचुएशन है। इस चीज को आपको समझना है। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। हमारा क्लाइंट अगर कहीं से हमारा फॉर्म परचेस कर रहा है, लीगली उसको इनवॉइस दिया जा रहा है,
आप कहीं पे उसको शो कर सकते कि मैंने ये टेक्नोलॉजी परचेस किया हुआ। ऐसा दुनिया में कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो ये सिस्टम बना के दे रही है, सब सिस्टम करके दे रही है, और वो भी इतना पैसा जो हम सोच नहीं सकते। हम कहीं पे भी अगर जॉब करेंगे तो उसको लिमिटेशन आएगा, और जहां पे लिमिटेशन आएगा ना, जैसा क्या होता है जॉब का, एक तो आपको कैलकुलेशन बताता हूँ जो मेरे सामने जो दिखता है वही सबसे बताऊंगा। जैसा हम कोई भी अगर मकान बनाते तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम स्लैब डालते, तो उसका क्या होता है, लिमिटेशन आता है। स्लैब का मतलब क्या होता है, एक लिमिटेशन। वैसे ही अपना जॉब का मतलब क्या होता है, एक लिमिटेशन। आपका जो इनकम है वो फिक्स है, उससे ज्यादा यानी हम क्या सोचते हैं उसमें, ज्यादा से ज्यादा ये दिवाली तक मेरे को घर लेना है, या ज्यादा से ज्यादा ये दिवाली में हमको क्या करना है, एक छोटा सा टीवी लेना है, हमको ये दिवाली तक क्या लेना है, फ्रिज लेना है। ये सोच होती है उस लेवल के लोग जो जॉब में काम करे, क्योंकि उनका सोच बड़ा हो ही नहीं सकता, इस चीज को समझना है। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे, जब हम ऐसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, तो हमारी सोच हम सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा बदल जाती है। जैसा हमारे बहुत सारे लोग है जिन्होंने बड़े बड़े लेवल पे अपने मकान बनाए, जिन्होंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था ऐसे मकान बनाए, ऐसे मकान परचेस किए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक साइकिल से या टू व्हीलर से मैं एक 50 लाख 40 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी में बैठूंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये सिस्टम से बैठे कितने दिन में, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 8 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो ये ऐसी जो चीजें देने वाला प्लेटफॉर्म अगर हमारे बीच में है, और आने वाला समय ये प्लेटफॉर्म का अगर पूरे वर्ल्ड को हिस्ट्री चेंज करने का है, और ऑलरेडी बन आ चुका है, हिस्ट्री तो चेंज कर चुके, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा है। अभी जो हिस्ट्री चेंज हुई है ना, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे हम, जो कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में जो चेंजेस किया हुआ है ना, वो कंपनी का 1% आपने देखा है, सिर्फ 1%। अभी आपको 99% देखना है आने वाले 2-3 साल में। मैं लंबा समय नहीं बता रहा हूँ, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 2025 तक जो भी लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे ना, वो सर ने क्लियर बता दिया। ये 23 साल की बात करें, 2023 की बात करें, सर का क्या कहने वाले, 2023 यहाँ पे कितने मिलियन ट्रिलियन लोग बनेंगे ना, आप सोचेंगे भी नहीं। ये साल की बात करो, लंबा की बात नहीं करो। आज ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने एमवे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो 40 साल से वर्किंग कर रही है उसको बीट किया है, बिटकॉइन को बीट किया हुआ है। आज लास्ट ईयर में सिर्फ एक साल की बात करते हैं, लास्ट ईयर में सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहा हूं मैं, 900 मिलियन यूरो मार्केट में लोगों ने इन्हें बनाया है, जो आपने लोगों के बीच में कंपनी ने बांटा है 900 बिलियन यूरो। इस चीज को समझना है, यूरो की बात कर रहा हूं ना, कि मैं यूरो इसकी बात कर रहा हूं। किसको मिला, जो हमारी जो कम्युनिटी पूरी उनको मिला, सिर्फ फार्मिंग की बात कर रहा हूं ना, कि कॉइन की बात कर, वो तो और मल्टीप्लिकेशन करेगा और चीजें क्लियर करेगा, वो तो ओपन मार्केट का बात है, किसको कितना मिला वो नसीब का बात है। लेकिन सिर्फ कंपनी की अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कंपनी की प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे 900 बिलियन प्लस यूरो सिर्फ अपने कम्युनिटी के बीच में जो लोग खर्चा कर, जो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इस चीज को आपको समझना है। और ये साल में उसके ऊपर जीरो होने वाला है, ये जो बात है ना, मैं जो बोल रहा हूँ इसको और से क्लियर करना है, ये साल में इसके ऊपर जीरो होने वाला है, यानी 900 के बदले 9000। ये साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये सर का सपना है, ये कंपनी का सपना है, ये साल में क्या होने वाला है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जीरो जाएगा। तो कितना बड़ा पैसा हमारे कम्युनिटी को, हमारे लोगों को बनाने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है, आप सोच नहीं सकते। उसके साल आगे और आए जाएंगे, उसको और एक जुड़ जाएगा, तो कितना बड़ा पैसा मार्केट में आएगा। तो क्यों लोग मिलियन ट्रिलियन बिलियन नहीं बनेंगे जो यूरो में बात करें सब, और जो 2 साल जाएंगे, 2 साल में ये कंपनी जो ऐसा काम करके दिखाने वाली, 2025 आपको पता चलेगा, ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का कोई लाइफ में कभी भी कोशिश करेगा ना तो भी बना नहीं पाएगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला। और इस सिस्टम के साथ अगर हम जुड़े तो हमको अंधा बन के, सिर्फ अंधा बन के काम करना है, या अंधा बन के सिर्फ क्या करना है, साथ रहना है। काम करने का मतलब आपको ये नहीं बोल रहा हूँ लोगों का पैसा लूट के लेके आना है, लोगों का पैसा लेके आना है और इसमें करना है, ये बहुत नहीं करो। मैं अंधा बनने का मतलब आप जिस जगह पे है वहां पे रुके भी रहेंगे, और सिर्फ भरोसा रखेंगे जो हम लोग बोल रहे हैं, कंपनी जो बोल रही है, अलेक्सर जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर, तो भी आप बड़ा पैसा बनने का मौका यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कंपनी का जो अभी जो फार्मिंग की बात करें, जो एक्टिव इनकम की, आपको फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट लाइन को कंपनी दे रही है 30%, जो अभी प्रमोशन जारी है, ऑलरेडी कंपनी का रेगुलर काम है 20%, लेकिन यहाँ पे कंपनी 30% दे रही है, जो अभी प्रमोशन ऑलरेडी जारी है, चाहे वो 18 तारीख के बाद बंद हो सकता है या 30 तारीख के बाद भी बंद हो सकता है। जो कंपनी बंद करेगी तो आपको 20% ही मिले, इस चीज को समझना है, क्योंकि हम कॉमन बात आते हैं 20%, लेकिन एज अ प्रमोशन 30% टोटल यानी 10% ऐड करके दिया है कंपनी, जो प्रमोशन के लिए, क्योंकि जो पैनिक मार्केट में चल रहा है उसके वजह से।
तो उनको एडिशनल बेनिफिट देने का कोशिश करे कंपनी, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। जैसे अभी अपना फार्म का साइज कम होता, लेकिन अभी 18 तारीख यानी कल तक कंपनी बढ़ा के दिया, क्यों? अपने लोग पैनिक हुए, उनको एडिशनल बेनिफिट देना है। लोग एडिशनल बेनिफिट लेंगे तो उसमें थोड़ा पैसा और अच्छा बनाएंगे, इसके वजह से अगर कंपनी वापस बेनिफिट दे रही, उसी तरह अपने नेटवर्कर या जो एक्टिव इनकम काम करने वाले लोग हैं उनके लिए 20% का 30% कंपनी दे रही है कुछ समय के लिए, वो कभी भी क्लोज हो सकता है। इसीलिए लोगों को कभी भी प्लान बताएंगे हमेशा ये बताना 20% और एडिशनल बताना 10%, ना कि डायरेक्ट बताना 30%। इसको समझना है, नहीं तो लोग दिमाग में यही बैठेंगे। जैसे अभी आप बोल रहे हैं $1,00,000, तो लोगों के दिमाग में वही बैठा है $1,00,000। उसी तरह यहाँ पे भी लोगों को जब भी आप लोग प्लान देंगे, वहां पे जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे तो 20% फर्स्ट कन्वेस, सेकंड पार्ट एडिशनल पार्ट प्रमोशन पार्ट, जो आपको एडिशनल दे रही कंपनी, वो जब तक चलेगा तब तक मिलेगा, जिस दिन बंद होगा वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर लोगों की नेगेटिव क्या होगी, कंपनी 30% दे रही थी अभी 20% कर दिया तो कंपनी माइनस क्यों किया। तो ये बात होनी चाहिए। तो जब भी हम प्लान देंगे हमेशा लोगों को क्लियर करता ना कि कंपनी का रेगुलर पार्ट अगर बात करेंगे तो 20% है, लेकिन प्रमोशन स्टार्टअप है इसके वजह से आपको 10% एडिशनल दिया जा रहा है। जब तक प्रमोशन है तब तक मिलेगा, जब तक प्रमोशन खत्म हो जाएगा 10% आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को सबको क्लियर करना है, नहीं तो फिर वापस क्या होगा, निगेटिविटी मार्केट में चली जाएगी जब कंपनी बंद कर देगी 2 दिन के बाद, 2 महीने का जब भी बंद करेगी तो लोग क्या बोलेंगे, अभी कमीशन बंद कर दिया या कम कर दिया, ये चीजें होने वाली। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो पहले से ही उसको उस हिसाब से लेके जाना जो कंपनी का स्ट्रेटेजी। तो 20% रेगुलर कमीशन और 10% अपना एडिशनल प्रमोशन, इसी को समझना है। तो इसी हिसाब से लोगों को बताना है। उसके बाद आता है अपना 7% जो सेकंड ईयर का पार्ट रहेगा, जो भी लोग अपन सेकंड लेवल पे लेके आएंगे उसको 7% मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे थर्ड लेवल पे 3%, फोर्थ लेवल पे 3%, फाइव लेवल पे 3% और सिक्स लेवल से लेके 15 लेवल तक अपने को 1% पर लेवल, यानी टोटल अगर काउंट करते हैं 15 लेवल का तो अपना होता है 56%, जो आपको टोटल 15 लेवल की कंपनी डिवर्शन करके दे रही है। ये होता है अपना कैश इनकम। इसके लिए आपको कोई भी सैटरडे संडे नहीं है। हम अगर यूरो में करेंगे तो यूरो आएगा, डॉलर में करेंगे तो डॉलर आएगा, या आप अगर बीटीसी में करेंगे तो बीटीसी इनकम आएगा, अगर आपने पीएलसी में किया तो पीएलसी इनकम आएगा, और एक्स में करेंगे तो एक्स इनकम आएगा। क्लियर पार्ट है जिसमें हम यहाँ पे अगर पेमेंट गेटवे करेंगे उस पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट आएगा, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना सेकंड पार्ट, जो अपना रैंक बोनस है वो 2% में कंपनी, जैसा अगर फर्स्ट रैंक से लेके जैसा 5 लाख लगभग बिजनेस है वहां से, यानी जेड रैंक से लेके ट्रिपल प्लैटिन डायमंड तक रैंक वाइज कंपनी अपना इनकम दे रही है 2% पर रैंक के हिसाब से। यहाँ पे हम अगर रैंकिंग की से बात करेंगे तो लगभग आपको पूरा जो रैंक है 14 रैंक है उसमें कंपनी लगभग 200 करोड़ रुपए यहाँ पे अपने को कंपनी जनरेट करने का मौका दे रही है, इस चीज को आपको समझना है। उसके बाद अगर बात करेंगे जब डायमंड बनते हैं, डायमंड बनने के लिए आपको लगभग तीसरा इनकम है कंपनी का, जो डायमंड इनफिनिटी बोनस बोल सकते हैं हम, या डायमंड बोनस बोल सकते हैं एडिशनल, जो भी लोग डायमंड बनेंगे या डायमंड अब जितने भी अपने डायमंड अब जो डायमंड है जैसे ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, या लास्ट में आपको बात करेंगे ट्रिपल प्लैटिन डायमंड, तो वहां पे कंपनी आपको डायमंड के बाद, डायमंड बनने के बाद आपके टीम के अंदर जितना भी बिजनेस बनेगा उसको कंपनी 15% यानी 15% आपको एडिशनल इनकम देगी। अगर आपके टीम में जो भी कमीशन जा रहा है जैसा रैंक बोनस का या अपना लेवल का वो छोड़ के आपके टीम में अगर कोई डायमंड नहीं है और आप खुद अगर डायमंड है तो आपका जितना भी बिजनेस बनेगा डेली के हिसाब से, ना कि मंथ के हिसाब से, वो डेली के हिसाब से आपको 15% यानी 15% कमीशन आपको एडिशनल मिलेगा। अगर आपका 1 लाख का बिजनेस हुआ है तो 15% होता है अपना 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। अगर आपका 10 लाख का बिजनेस बनेगा तो आपका 15% होता है लगभग 1.5 लाख रुपए। अगर आपका 1 करोड़ का बिजनेस बनेगा तो 15% होता है अपना 15 लाख रुपए। अगर आपका 10 करोड़ का बिजनेस अगर बनता है तो आपका वहां पे होता है आपका 1.5 करोड़ रुपए। यानी इतना बड़ा पार्ट, यानी कोई भी लिमिटेशन नहीं है अपना, ये जो पैकेज आप यहाँ पे अगर बात करेंगे आपको कोई भी कैपिंग नहीं है, ना वीकली कैपिंग है, ना मंथली कैपिंग है, ना डेली कैपिंग है, ना घंटे का, कुछ कैपिंग नहीं। 100% आपको फ्री माइंड से यहाँ पे काम करना है और आपका मन कहेगा उतना वहां पे आपकी मेहनत के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा जनरेट करने का मौका कंपनी दे रही है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे जो ऊपर जो ऐसा ब्लू डायमंड है उसको 1%, ग्रीन डायमंड है उसको 1%, पर्पल डायमंड है उसको 1%, उसके बाद अपना रेड डायमंड है उसको 1%, उसके बाद अपना ब्लैक डायमंड है उसको 1%, उसके बाद प्लैटिन डायमंड उसको 1%, उसके बाद डबल प्लैटिन डायमंड उसको 1% और ट्रिपल प्लैटिन डायमंड उसको 1%, यानी टोटल 23% सिर्फ डायमंड बोनस आपको दिया जाता है रैंकिंग के हिसाब से 23%, यानी टोटल काउंट अगर करेंगे 56%, उसके बाद अगर बात करेंगे 2%, उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपका 23% लगभग 80-81% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने कमीशन लोगों के लिए।
ऐसी दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको 81% प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, और कोई भी कैपिंग नहीं, कोई भी कैपिंग नहीं है। इस चीज को आपको समझना है, आप जब आपका विड्रॉल आ रहा है विद इन सेकंड उसको विड्रॉल कर सकते हैं, विद इन सेकंड 24 घंटा कभी भी। इतना बड़ा पार्ट अगर आपने सिस्टम के साथ जुड़ा है, इतना अच्छा पार्ट अगर आपने कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इतना ही बोलूंगा जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने अगर इस प्लेटफॉर्म को जन्म दिया है वो मिस्टर अलेक्स सर, ये भगवान से कम नहीं है। मैं इतना ही बोलता हूँ और आज के मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद हमारा जो पार्ट है, जो अपना मेन पार्ट जैसा 4 मार्च का जो मैंने पहले बताया आपको, जो अपना जो फंक्शन के बारे में उसकी जानकारी अगर आपको सबको मिली है, फिर भी वापस आपको फिर वापस रिवाइंड करता हूं मैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सबके अपने जो भी लोग हैं उनके लिए लिंक शेयर की गई हुई अपने अपने ग्रुप में, नहीं गई है तो अपने लोगों को, अपने जो भी लीडर्स है उसको आपको अटैच करना है। जो भी ये कॉमन फंक्शन है 5000 लोगों का, इस चीज को समझना है, जो कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है 5000 लोगों का फंक्शन कंपनी करने जा रही है, 5000 पीपल और वर्ड, और वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी आप सिर्फ इस कंपनी के मेंबर होने चाहिए बस। आपको अगर एंट्री करनी है तो आपको कोई भी रैंकिंग की कंडीशन नहीं, आप जेड होना चाहिए, आप रूबी होना चाहिए, आप डायमंड होना चाहिए या ब्लू डायमंड, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, आपका इस कंपनी का आप मेंबर होना चाहिए, भले वो 11000 से जुड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेंबर नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये चीज को समझना है। और जो मेंबर बना है उसको कंपलसरी क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में जो आपको टिकट मिलेगा वहां पे, वो टिकट मिलने के बाद ही आप वहां पे स्कैन कर सकते हैं और आपको एंट्री हो सकती है। अगर आपके पास टिकट नहीं रहेगा, आप वहां पे डायमंड भी होगे, ब्लैक डायमंड भी होगे, प्लैटिनम डायमंड भी होगे, तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज को समझना है। नहीं तो मैं एक डायमंड हूं तो नहीं चलेगा, अब मैं प्लैटिनम डायमंड हूं तो भी नहीं चलेगा, आपको टिकट कंपलसरी रहेगा, जो आप स्कैन करेंगे तो ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो टिकट कब आएगा, आपको अभी जो कंपनी का लिंक आया हुआ है उस लिंक को आपको रजिस्टर करना है, पहला पार्ट रहेगा। उसके बाद आपने रजिस्टर किया तो उसके बाद कंपनी का वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जो जाने आने का टिकट है वो आपको वहां पे, यानी प्लेन का टिकट है वो आपको वहां पे लोड करना है। उसके बाद आपको वहां पे क्या करना है, जो आप वहां पे होटल बुक कर रहे हैं, हमारा जो होटल बुक हो रहा है उसका भी डिटेल चाहिए, वो आप वहां पे लोड कर सकते हैं, तभी आपका वहां से टिकट निकलेगा जो आपको स्कैन करके अंडर कर एंट्री कर सकते, तब तक टिकट आपका नहीं निकलने वाला। इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि यार टाइम पे कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट करने वाली है, क्योंकि लोग ज्यादा होने वाले तो लिमिटेड लोगों को आना है, इसलिए जो कंफर्मेशन होगा वही लोगों को आपकी एंट्री मिलेगी और वही लोगों को कंपनी अचीवमेंट मिलेगी, इस चीज को समझना है। तो इस हिसाब से ये सब लीडर्स लोगों ने, सब लोग जो भी लोग अपने इसके साथ लोगों को लेके आने वाले, सबने अपने अपने लोगों का यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी है, अपने अपने लोगों को अच्छी तरह समझा देना है और सब लोगों का रेशन भी करके लेना है, और उसकी जो प्रोसीजर है पूरा वो सब जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करना है, ये चीज को समझना है। ये होगा अपना कंपनी की तरफ से जो गाइडलाइन है, जो मेरे एज ए लीडर की तरफ से मैंने आपको पहुंचा दिया। आगे का पार्ट जो है अपना पैकेज के बारे में, आप अपने अपने हिसाब से भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है कि मेरे साथी आना जरूरी है या कोई लीडर के साथी जाना जरूरी है, आप खुद भी आ सकते हैं, अपने लेवल पे सब चीजें कर सकते हैं, तो भी आपको एंट्री मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर अपने लीडर के साथ जाना है तो आपको जल्दी से जल्दी आपके लीडर के साथ कनेक्ट होना है, और उसके साथ आपका जो भी आपका मोटो रहेगा, जो भी आपका सिचुएशन रहेगा, उस हिसाब से आपको सिस्टम को बनाना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है सबके लिए मैं आपके सामने हूँ। अगर कोई मेरे ग्रुप के साथ आना चाहता है, मेरे कंपनी के साथ अगर आना चाहता है, जो मेरा आर यू वंडर कंपनी के साथ मैंने जो पैकेज बना हुआ है वो है अपना 80,000 का। उसमें दो पैकेज है, दोनों पैकेज 80,000 के, उसमें एक पैकेज में अपना क्रूज का रहेगा जो 3 दिन के लिए का क्रूज में हम रहेंगे और 3 दिन के लिए दुबई में रहेंगे। तो ऐसा जो पैकेज बना हुआ है 6 नाइट 7 डेज का, दोनों पैकेज जो है अपने 6 नाइट 7 डेज के, इस चीज को समझना है। 6 नाइट हम दुबई में रहने वाले और 7वें दिन हम वापस जाने वाले, तो दोनों पैकेज उसी हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन दूसरा जो पैकेज 70,000 का बना हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड आया मेरे पास, इसके वजह से उसको मैंने 80,000 इसलिए किया क्योंकि उसमें मैंने हेलीपैड की फैसिलिटी दी हुई है, जो हेलीपैड राइड कर सकते हैं, जिसका 12,000 यानी जो पैकेज बन रहा है 82,000 का, लेकिन मैं उसको 80,000 में बना के दिया ताकि लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसलिए वो दूसरा पैकेज जो रहेगा वो उसमें हेलीपैड राइड ऐड हुआ है, जो आपको मैं पीडीएफ फिर वापस नया पीडीएफ कल सुबह फिर वापस सेंड करूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो वो पैकेज रहेगा, उसमें हेलीपैड रहेगा लेकिन उसमें अपना क्रूज नहीं रहेगा, यानी जो अपना जो क्रूज का पार्ट है वो 3 दिन का वो नहीं रहेगा, बाकी सब फैसिलिटी जो है अपना जैसा जो भी छोटी मोटी जो मैंने पीडीएफ फाइल में भेजी हुई वो सब चीजें वहां पे आपको मिलने वाली। उसके बाद यहाँ पे अगर जो लोग 80,000 दे के अपना क्रूज के पैकेज में आ रहे, वो क्रूज जो है ना 21
फ्लोर का क्रूज इसको समझना है, यानी 21 फ्लोर है उसके, कितना बड़ा है, यानी 5,000-6,000 लोग उस क्रूज में बैठने वाले, पूरा गांव बैठ सकता है, कितना बड़ा तो वो पार्ट है। और 7-स्टार फैसिलिटी वहां पे, 7-स्टार यानी जहां पे भी आप सर्विस लेंगे ना वो पूरी 7-स्टार, 5-स्टार भी नहीं बोल रहा हूँ, 7-स्टार सुविधा है वहां पे, आपको रूम मिलेगी 2,500 से भी ज्यादा रूम है उसमें अंदर। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो वहां पे जो अंदर की फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं आपको आपके हिसाब से, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम है, बहुत सारे नए नए जो फंक्शन वहाँ पे लाइव होते हैं उसमें आप एंट्री कर सकते, सब चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे लंच होगा आपका, डिनर होगा आपका, ब्रेकफास्ट होगा, सब चीजें वहाँ पे आपको 3 दिन मिलेगी। वो अपना दुबई से निकलेगा अबूधाबी तक जाएगा, अबूधाबी भी फिर आप वहाँ पे पूरा घूमेंगे, कुछ शॉपिंग करना करेंगे, फिर वापस वहां से रिटर्न वापस दुबई आएंगे। और उसके बाद 4 तारीख को हम वहाँ पे जो जाए फंक्शन के लिए जाएंगे, फिर 4 तारीख के शाम को होटल में जाएंगे, 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख दुबई में रहेंगे, जहाँ पे हम बाकी के प्रोग्राम बने हुए उसमें, जैसा गार्डन का है, बाकी अपना डेजर्ट सफारी का वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम उसने एंट्री किए हुए। और बाद में अपना 6 तारीख का सुबह का एक टाइमिंग रखा हुआ है, जो लोग शॉपिंग करना चाहते वो शॉपिंग कर सकते। अगर आपको वहाँ पे बुर्ज खलीफा किसी नए लोग आए और उसको बुर्ज खलीफा अगर ऊपर जाके जो 23 फ्लोर पर जाके देखना है, उसको एक एडिशनल छोटा सा टिकट रहेगा, वो आपको खुद करना है, क्योंकि वो टाइमिंग एडजस्ट किया हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो वो टिकट आपके ग्रुप के साथ अगर जो भी अमाउंट बनेगा वो अगर मेरे को पहले शेयर करेंगे तो मैं आपको टिकट वगैरह सब फैसिलिटी वहाँ पे देने के लिए रेडी हूँ। या कोई लोग अगर ऐसा भी चाहते हैं कि हमको सर क्रूज का भी पैकेज चाहिए और उसमें हमको क्या करना है, हेलीपैड का भी राइड लेना है, तो उसके लिए भी आपको अलग से अगर 12,000 रुपीज अगर आप जिसको जाना है वो अगर पे करेंगे तो उसको वो भी फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि वो 6 तारीख का सुबह का टाइमिंग हमने उसके लिए रखा है। वहां पे 3 चीजें कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी तरफ से घूम सकते हैं, आपको जो करना है वो दोपहर तक, क्योंकि दोपहर के बाद हम जाएंगे डेजर्ट सफारी, और नहीं तो फिर जो अपने बुर्ज खलीफा देखना है उसके लिए जा सकते हैं, नहीं तो फिर इसको करना है वो ही कर सकता है सबके लिए नहीं, क्योंकि अगर उसमें हम ऐड कर देंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर लोग और दिमाग खराब कर देंगे कि इतना बड़ा पैसा का है तो मत करो, नहीं तो बाकी जो फैसिलिटी आपको सबको 100% कई गुना अच्छा टूर ये टाइम को सब लोगों को करने को मिलेगा। ये इतना में आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए जो भी मैंने टाइम कर दिया है उस जुड़ेंगे, नहीं तो फिर अपने हिसाब से आप आ सकते जा सकते, मेरे लिए उसके लिए कोई रही। तो यही के साथ अभी अगर क्रूज का मैं 1 मिनट के लिए वीडियो दिखा रहा तो